Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the third day of this series of Bible studies. हमारे इस धर्मशास्त्र के धारावाहिक के तीसरे संध्याकालीन समय में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं. These days we are studying about the signs of the coming of the Lord and the signs of the end of this world. इन दिनों में जिस विषय को लेकर के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो है यीशु मसीह के आगमन के समय में होने वाला चिन्ह और अंतिम दिनों में दिखाई देने वाले लक्षणों को. Our Lord Jesus is coming very soon. हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है. After that he will be ruling in this world for 1000 years. और उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह हजार साल के लिए इस पृथ्वी में राज्योत्त करेगा. Then after that there will be a big war. और उसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होगा. The devil along with the whole population of this world will come against this. और उस समय में सारे पृथ्वी के लोग मिलकर के यीशु मसीह के विरोध में चढ़ाई करेंगे और युद्ध को छेड़ेंगे. At the end of that, God will send His fire from heaven. और उसके अंत में परमेश्वर सर से आग उतारेगा. And the whole world shall be destroyed. और इस प्रकार पूरी पृथ्वी विनाश हो जाएगी. The sun, moon, star, the whole universe shall be completely destroyed. चांद, सूर्य, सितारे, इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा. And there's a reason also for that. और उसके नष्ट होने का एक कारण भी है. About that we will study today. और आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे. In John 3rd chapter we read. योनर के सुसमाचार के तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं. Please read John 3:3-5. योनर के सुसमाचार अध्याय 3 उसके 3 और 5 वचन. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Yesterday we studied that there are many places in heaven. बीते रात हमने ध्यान किया था कि परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे स्थान हैं. Here we read that unless we are born again, we cannot see the kingdom of God. और यहाँ पर हमने वर्तमान पढ़ के देखा कि अगर हम नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते. When verse 5 says, unless you are born of the water and the spirit, we cannot enter into the kingdom of God. और योना रचित सुसमाचार के 3:5 में हमने पढ़कर के देखा कि जब तक हम जल और आत्मा से जन्म ना ले हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. So we see the experience of seeing the kingdom of God and entering the kingdom of God, two different experiences. यहाँ पर दो अलग अलग अनुभवों को हम लोग देखने पाते हैं. एक परमेश्वर के राज्य को देखने वाला अनुभव और दूसरा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला अनुभव. In Revelation chapter 21 verses 1 and 2. प्रकाशित वाक्य के उसके 21वें अध्याय और पहला दो वचन को पढ़ने के वक्त में we read about three places. वहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग स्थानों को देखने पाते हैं. New earth, new heaven and new Jerusalem. नया पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम. There is nothing specially mentioned about the new earth and new heaven. और नया पृथ्वी और नया आकाश के बारे में कुछ ज्यादा तो वहाँ पर विवरण दिया गया नहीं है. But about new Jerusalem it is written something special. और लेकिन नया यरूशलेम के बारे में कुछ खास बातें वहाँ पर उल्लेख किया गया है. It is a holy city. वो एक पवित्र नगरी है. Coming down from God out of heaven. और वो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतर रहा है. And prepare as a bride adorned for her husband. और वो अपने 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 पति के लिए सिंगार किए हुए एक दुल्हन के समान उतरते हुए दिखाई दे रहा है. It's a special place than new earth and new heaven. और वो नया पृथ्वी और नया आकाश से ये एक विशेष स्थान है. And in Revelation 14:1 we read about another place that is called Zion. और प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के पहले वचन में एक और स्थान के विषय में हम लोग देखने पाते हैं जिसको सियोन करके कहा गया है. So new heaven and new earth they are called as heaven.
और नया पृथ्वी और नया आकाश ये स्वर्ग करके कहा जाता है. एंड न्यू जेरूसलम एंड ज़ायन दे आर कॉल्ड एज़ द किंगडम ऑफ हेवन. और नया यरूशलेम और सियोन जो है वो परमेश्वर का राज्य करके कहा जाता है. व्हेन आवर लॉर्ड जीसस वाज़ इन दिस वर्ल्ड, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, ही सेड इन माय फादर्स देयर आर मेनी फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मेरे पिता के घर में निवास बहुत से निवास स्थान हैं. John chapter 14:2-3, if you read, we can understand that. योहन्ना की सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 2 और 3 वचन को पढ़ने से हम इस बात को वहाँ पर देख सकते हैं. First of all, he is telling something in present tense that in my father's house there are many mansions. और यहाँ पर वो एक वर्तमान काल के विषय में बोलते हुए वो भविष्य काल के विषय में वो बोलते हुए कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं. That means when Jesus was in this world, already heaven was there and there were many places. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो उसी समय में यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान है. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 25:34 द हेवन वॉज क्रिएटेड व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड. और मत्तयी सुसमाचार के 25वें अध्याय के 34 वचन में जब ये पृथ्वी की रचना हुई तभी स्वर्ग की भी रचना हुआ. Then in verse 3 he talks something about the future tense. लेकिन तीसरे वचन में आने के वक्त में वो भविष्य काल के बारे में कुछ बोलते हुए हम देखते हैं. I am going to prepare a place for you. कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को जाता हूँ. That means when Jesus was in this world, that place was not there. इसका अर्थ यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था उस समय में वो स्थान वहाँ नहीं है. After Jesus died on the cross, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरने के बाद, he was resurrected on the third day. तीसरे दिन जी उठने के पश्चात, then he was taken up to heaven. और वह स्वर्ग में उठा लिया गया. After that only this building was started. उसके बाद ही ये मकान का काम शुरू हुआ. This is called as New Jerusalem. और इस स्थान को नया यरूशलेम करके कहा जाता है. So this work started after our Lord Jesus left this world. इस संसार को यीशु मसीह छोड़ करके जाने के बाद ही उस जगह का काम शुरू हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ गॉड. और इसी को परमेश्वर का राज्य कहा जाता है. Zion also is called as the kingdom of God. सियोन को भी परमेश्वर का राज्य करके कहा जाता है. To go to the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में जाने के निमित्त we should be caught up at the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाना चाहिए. To go to heaven, if you are born again, if your sins are forgiven, that is enough. परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अगर हमारे पाप की क्षमा हो गई या हम एक नए सिरे से जन्म लिए हुए अनुभव में हैं, तो वो हमारे लिए काफी है. But to be caught up at the coming of the Lord, किंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए, otherwise to go to the highest place in heaven, that is New Jerusalem and Zion. नहीं तो स्वर्ग राज्य में सबसे ऊंचा स्थान या परमेश्वर के राज्य में सबसे महान स्थान जो नया यरूशलेम और सियोन है, we must have special experiences. उस पे प्रवेश करने के लिए एक विशेष अनुभव आवश्यक है. For that, after coming to the born again experience, we should take the right baptism. और वो क्या है कि उद्धार के अनुभव में आने के पश्चात हमें एक सही बपतिस्मा लेना चाहिए. Then we have to pray and receive the Holy Spirit. और हमें प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए. And every day we should compare ourselves with Jesus and sanctify our life. और हर एक दिन हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना करते हुए अपने जीवन को हम शुद्ध और पवित्र करना चाहिए. If you obey the Holy Spirit without grieving Him, He will sanctify us. और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है. Then when Jesus come, we shall be caught up at the coming of the Lord. कब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे. So many children of God think that there is only one place in heaven. कई परमेश्वर के बच्चे लोग या संतान लोग इस प्रकार सोचते हैं कि स्वर्ग राज्य में केवल एक ही एक स्थान है. According to the word of God, Jesus himself said in my father's house there are many mansions. लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम देखें तो आप प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है. When the children of Israel were in the wilderness, जब इस्राएल के संतान लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, when they were going from Egypt to Canaan, और जब ये लोग मिस्र देश से निकल करके कनान की ओर जा रहे थे, God told Moses, उस समय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, to make a tabernacle in the wilderness, तुम मरुभूमि में मेरे लिए एक मिलाप वाले तंबू को बनाओ. God called him to the top of the mountain, और परमेश्वर ने उस मूसा को उस पर्वत की चोटी पे बुलाया, and show the pattern of the tabernacle, और उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के नमूना को उसको दिखाया. In Hebrews 8:5 it is written, it is a shadow for the spiritual things of न्यू टेस्टमेंट. और इब्रानी किताब उसके 8वें अध्याय के 5 वचन में पढ़ने के समय में हम लोग देखने पाते हैं कि ये पुरातन नियम के मिलाप वाला तंबू नया नियम के कलीसिया का एक दृष्टा एक प्रतिरूप का प्रतिबिंब है. सो दिस इज द टैबरनेकल मेड बाय मोसेस द होल थिंग. और यहाँ पर हम इस मिलाप वाले तंबू को देखते हैं जो मूसा के द्वारा बनाया गया है. सो
दिस इज कॉल्ड एज द आउटर कोर्ट। और इस स्थान को बाहरी आंगन करके कहा जाता है। टू एंटर इन टू द आउटर कोर्ट, इस आंगन में प्रवेश करने के निमित्त ए पर्सन शुड बी सर्कमसाइज्ड, एक व्यक्ति खतना प्राप्त होना चाहिए। Uncircumcised person cannot enter inside. खतना रहित व्यक्ति इस आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता। To be circumcised shows the born again experience. और ये खतना होने का अनुभव नया नियम में नए सिरे से जन्म लेने वाले अनुभव को दिखाता है। When a person sins are forgiven and he confesses sin and leave, he comes to this outer court. जब एक व्यक्ति के पाप क्षमा होता है और जब वो उद्धार के अनुभव में आता है तो वो इस प्रांगण में नहीं तो आंगन में प्रवेश कर सकता है। We can call it as the kingdom of God. और इस प्रांगण को या इस आंगन को हम लोग परमेश्वर का राज्य करके कह सकते हैं। फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस आउटर कोर्ट ही कैन लुक एट द किंगडम ऑफ गॉड। उस आंगन में प्रवेश करने के बाद वो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। बट टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, किंतु उस परमेश्वर के राज्य में अगर उसे प्रवेश करना है, दोस कैन गो इनसाइड, जो कोई उसके अंदर जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड वॉश देयर हैंड एंड फीट इन दिस वाटर। और सबसे पहले उसे इस हौदे के पानी से वो अपने हाथ को धो या पैरों को धोना चाहिए। देन दे शुड बी अनॉइंटेड विद द अनॉइंटिंग ऑयल। उसके बाद वो अभिषेक के तेल से अभिषेक पाएगा। ओनली देन दे कैन एंटर इनसाइड। और तत्पश्चात ही वो इस परमेश्वर स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश कर नहीं पाएगा। सो इफ यू आर सर्कमसाइज्ड, इफ यू आर बोर्न अगेन, यू कैन कम हियर। अगर एक खतना प्राप्त व्यक्ति या फिर एक नए सिरे से जन्म लेने वाला व्यक्ति वो इस आंगन में प्रवेश करेगा। यू कैन सी द किंगडम ऑफ गॉड, और वहां से वो परमेश्वर के राज्य को देखने पाएगा। बट टू एंटर इनसाइड, किंतु उसके अंदर अगर उसे प्रवेश करना है, टू वॉश वेसल्स, उसे चाहिए कि वो अपने आप को धोए, अनॉइंटेड बाय ऑयल, तेल से अभिषेक पाए, देन ओनली यू कैन गो इनसाइड, तभी वो अंदर प्रवेश कर सकता है। सो इनसाइड दिस, इसके अंदर या भीतर में दिस अरेंजमेंट इज देयर, इस प्रकार के सब प्रकार की बातों को रखा गया है। जस्ट द फ्रंट पोर्शन इज रिमूव्ड, जस्ट इमेजिन लाइक दैट। आप लोग मान लीजिए कि ऊपर के चादर को जब हम हटा देते हैं, सो हियर आउटसाइड इट्स आउटर कोर्ट, तो हम लोग बाहर एक बाहर के आंगन को देखते हैं। व्हेन अ पर्सन कम्स हियर, जब वो एक व्यक्ति यहाँ आता है, दिस आर ऑल इनसाइड, ये सारी बातें जो भीतर का भाग है। फ्रॉम हियर टू हियर इट इज कॉल्ड एज होली प्लेस, इस स्थान से लेकर के यहाँ तक तो जो दिखाई देने वाला स्थान है उसे पवित्र स्थान करके कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट होली प्लेस, और अगला स्थान जो है वो है अति पवित्र स्थान। व्हेन जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरा, इन हिब्रूज 10 चैप्टर वी रीड दैट, इब्रानी के पत्र 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, न्यू एंड लिविंग वे वॉज ओपन फॉर द पीपल टू एंटर इन टू द मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक नया और जीवित मार्ग खुल गया। एंड द वेल वॉज टर्न इन टू टू व्हेन जीसस डाइड, और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरने के समय में पर्दा फट गया। सो दिस पार्टीशन वॉज रिमूव्ड व्हेन जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह मरने के समय में यह वो पर्दा है जो फट गया था। दिस वेल वॉज टर्न, और ये पर्दा फट गया। एंड द न्यू टेस्टामेंट सेंट बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू एंटर इन टू द मोस्ट होली प्लेस, और नया नियम यह सिखाती और बताती है कि यह पर्दे फट जाने के कारण से अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। इन द मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान में, देयर इज ए स्पेशल प्लेस, एक विशेष स्थान है। दिस इज आर्क ऑफ द कवेनेंट, हम लोग यहाँ पर वाचा के संदूक को देखते हैं। अपॉन दैट इट इज कॉल्ड द कवर, द लिड इज कॉल्ड एज द मर्सी सीट, और हम लोग उसके ऊपर एक प्रायश्चित के ढक्कन को देखते हैं। अपॉन द टू चेरूबीम्स आर स्टैंडिंग, और उस प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर दो करूबों को खड़े होते हुए हम देखते हैं। द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम व्हेन गॉड स्पोक टू देम, दे यूज्ड टू स्पीक, ही यूज्ड टू स्पीक टू देम फ्रॉम इन बिटवीन दिस चेरूबीम, फ्रॉम दिस प्लेस गॉड यूज्ड टू स्पीक टू देम। पुरातन दिनों में नहीं तो पुरातन नियमों में जब कभी भी परमेश्वर मनुष्य के साथ बात करता था तो वो इस वाचक के संदूक में दिखाई देने वाले दो करूबों के मध्य से होकर के बात करता था। सो बाइबल क्लियरली सेज द ओल्ड टेस्टामेंट टैबरनेकल इज अ शैडो फॉर द न्यू टेस्टामेंट एक्सपीरियंस। धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से बात को बताती है कि पुरातन नियम का ये मिलाप वाला तंबू नए नियम के कलीसिया को दिखाता है। सो वी कैन से दिस न्यू अर्थ, और हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि ये आंगन जो है वो नया पृथ्वी का सदृश है। दिस इज न्यू हेवन, और ये नया आकाश। एंड हियर इट इज जेरूसलम एंड ज़ायन, और यहाँ पर जो स्थान है उसे हम नया यरूशलेम और सियोन करके देख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट प्लेसेस इन हेवन, और इस प्रकार हम लोग देखने पाते हैं कि स्वर्ग में अनेक स्थान हैं। एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो गॉड हैज रिवील्ड इट टू मेनी पीपल, और प्रायोगिक रीति से भी अभ्यास की रीति में भी परमेश्वर ने ये बातें बहुत सारे लोगों को प्रकाश करके दिया है। देयर वाज अ सोल्जर इन रशियन आर्मी बाय नेम वान्या, देयर वाज अ सोल्जर इन रशियन आर्मी बाय नेम वान्या, हिज नेम वाज वान्या। वान्या नाम का एक रूसी सैनिक था। ही वाज वेरी गुड सोल्जर, वे अच्छा सैनिक है, वेरी गुड क्रिश्चियन,
लेकिन वो मसीह वेरी गुड क्रिस्टियन, वो अच्छा मसीह भी है। प्रे एवरी डे, वो हर दिन प्रार्थना करता था। एट द टाइम इन द कम्युनिस्ट इन रशिया, कम्युनिस्ट रूलिंग वॉज देयर। उन दिनों में रूस देश में कम्युनिस्ट लोग राज्य किया करते थे। देयर प्रिंसिपल वॉज देयर, देयर इज नो गॉड। और उन लोगों का जो सिद्धांत है कि कोई ईश्वर ही नहीं है। सो व्हेन ही प्रेड, दे सेड यू शुड नॉट प्रे। और जब लोग प्रार्थना करते थे तो उन लोग कहते थे कि आप प्रार्थना नहीं करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द रशियन रूल, एनीबॉडी कैन प्रे, नो ऑब्जेक्शन। और रशिया के सिद्धांतों के अनुसार, संविधान के अनुसार, कोई भी प्रार्थना कर सकता है। बट दे डिड नॉट अग्री, किंतु वे लोग सहमत नहीं हुए। एवरी डे दे यूज्ड टू टॉर्चर हिम एंड पुट हिम इनटू शेम। हर एक दिन इस वर्तमान इस सैनिक को लोग रोकते थे और उसको लज्जित करते थे। ही हैड द बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, वो एक नए सिरे से जन्म पाए हुआ अनुभव है। ही हैड टेकन बैप्टिज्म, उसने बपतिस्मा लिया है। ही हैड रिसीव्ड द होली स्पिरिट आल्सो, पवित्र आत्मा भी उसने पाया है। So one day they were torturing him so much he was unable to bear. एक दिन उसको इतना वे लोग सता रहे थे कि ये सहने से बाहर हो गया। So one angel came and took him to heaven. उस समय में एक स्वर्गदूत आया और इस सैनिक को स्वर्ग में उठा लिया गया। When he went to heaven, जब वो स्वर्ग में गया, he saw a beautiful grass, a place with full of grass like a park. और उसने देखा कि स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर पार्क है और उसमें पूरे हरे भरे घास भरे हैं। So many people. उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा। And he came to next place. और वो अगले स्थान में गया। It was which a higher place, a cloudy place. और वो जो स्थान जो था, ये इस स्थान से थोड़ा ऊंचा स्थान था और वहां पर कुछ बादल भी थे। In these places he could meet many people. और इस स्थान में उसने बहुत सारे लोगों को देखा। And the spirit he could understand who they are. और वो आत्मा में उस बात को समझ नहीं पाए कि ये जो लोगों को मैं देखता हूँ ये कौन है। No, he could understand who they are. He could understand. वो समझ नहीं पाए कि ये कौन है। वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इन द स्पिरिट व्हेन ही सॉ समबडी अंडरस्टूड, ओह दिस इज डेविड। और जब उसने किसी को देखा तो वो आत्मा में जान नहीं पाए कि ये दाऊद है। Another person he could understand it is Abraham. और दूसरे व्यक्ति को देखा तो वो जान पाए कि ये अब्राहम है। Like that he could understand in the spirit. वो आत्मा में इस प्रकार समझ नहीं पाया। He saw everything and enjoyed so nicely. उसने सब कुछ देखा और बहुत ही आनंदित हुआ। Then he told the angel. उसके बाद स्वर्गदूत से कहा, wonderful, let me be here. ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम यहीं पर रहें। Then the angel told him, तब उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, This is not the place for you. लेकिन तेरे लिए ये स्थान नहीं है। Come on, I will show the place the which is kept for you. और स्वर्गदूत ने कहा कि आओ, मैं तुमको वो स्थान दिखाता हूँ जो तुम्हारे लिए रखा गया है। ठीक है बाबा, और उसको ऊपर ले गए। एंड showed him, यू सी that said that is the place for you. और दूर से उसको दिखाए कि देखो वो स्थान, वो जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारा स्थान है। Jerusalem. और वो नया यरूशलेम है। When he looked at it, और जब उसने उसको देखा, it was so bright he could not see, he just closed his eyes. वो इतना प्रकाश और ज्योति रहा था, वो देख नहीं ना पाया, उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया। Then the angel told, तब स्वर्गदूत ने कहा, Now you have some ministry in this world. अभी देखो जाकर के इस पृथ्वी में कुछ सेवकाई करना बाकी है। When your ministry is over in this world, जब इस पृथ्वी की तेरी सेवकाई पूरा हो जाए, he will go to New Jerusalem. तो उस नया यरूशलेम में जाएगा। And after some time he died as a martyr in the army. और उसके कुछ दिनों के बाद वो उसी सेना में एक शहीदों की मौत मरा। So from this what we understand? इससे हम क्या समझ नहीं पाते हैं? Different places in heaven. स्वर्ग में अलग अलग स्थान हैं। If you are born again and take baptism and receive Holy Spirit, then we can go to the highest place in heaven, that is New Jerusalem and Zion. अगर आप मन परिवर्तन करके सही पानी का बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा का अभिषेक के अनुभव में अगर आते हो तो आप उस स्वर्ग स्थान में दिखाई देने वाला एक उच्च स्थान नया यरूशलेम में जा सकते हो। If you read Matthew 11:11, we can understand it very nicely. योनर की मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय के 11 वचन में हम इस वचन को पढ़ने से और भी स्पष्ट रीति से समझने पाएंगे। Please read. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist, notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. So it's very clear. यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है। John the Baptist was a mighty man of God. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के एक सामर्थी भक्त था। Nobody born of the woman is greater than him. कोई भी जो स्त्री से जन्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। Even I, any one of us, we are not greater than John the Baptist. मैं हूँ या आप हो या हमें से कोई भी क्यों ना हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। He was such a great saint. वो इतना बड़ा संत है। He had the boldness and guts to go and tell to the king that what you are doing is wrong.
उसके पास इतना हियाब और इतना शक्ति और साहस था कि वो साहस के साथ राजा के विरुद्ध में जाकर के कह दे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। But what does the Bible say? और धर्मशास्त्र क्या कहता है? The person who is least in the kingdom of God, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज में जो व्यक्ति सबसे छोटा है is greater than John the Baptist. वो छोटा व्यक्ति यूहन्ना से भी परमेश्वर के राज में बड़ा है। That means, उसका अर्थ John the Baptist is not in the kingdom of God. उसका अर्थ यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज में या स्वर्ग राज्य में नहीं है। But he is in heaven. लेकिन वो स्वर्ग में है। Okay, John the Baptist will be in heaven. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग में तो है। He'll be somewhere here. वो यहाँ कहीं है बट नॉट इन द किंगडम ऑफ हेवन। और लेकिन परमेश्वर के राज के अनुसार बट ही वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु आर बोर्न ऑफ द वुमेन। लेकिन संसार की रीति में देखा जाए तो स्त्रियों से जितने भी लोग जन्म लिए हैं उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे महान। बट वी हैव द प्रिविलेज टू गो टू अ बेटर प्लेस देन जॉन द बैप्टिस्ट। किंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी एक उत्तम स्थान में जाने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। वही क्यों? Or be somebody greater than John the Baptist? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा कोई है? Before his consecration we are zero. उसके प्रतिष्ठा के सामने हम सब शून्य हैं। Before his life we are zero. उसके जीवन के सामने हम कुछ नहीं हैं। Before his ministry we are zero. उसके सेवकाई की तुलना में हम कुछ नहीं हैं। But we have the blood of Jesus. लेकिन हमारे पास जो है वो है यीशु मसीह का लहू। Because of the blood of Jesus, और उस यीशु के लहू के कारण we are better than John the Baptist. हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी श्रेष्ठ हैं। And because of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण we get a better experience than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी उत्तम अनुभव परमेश्वर ने हमें दिया है। Just because of the blood of Jesus, केवल यीशु मसीह के लहू के कारण ही because you are bought by the precious blood of Jesus, we are precious. चूंकि हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मोले गए हैं हम बहुमूल्य हैं। So shall we all shout hallelujah for that? So क्या हम इस विषय के लिए आइए एक जोर से हलीले चिल्लाएं Hallelujah. So we should live a holy life and we should obey whatever the Lord says and we should get ready for the coming of the Lord. अगर हम एक पवित्र जीवन जिएंगे और जो भी कुछ हमारा प्रभु हमसे करने को कहता है करेंगे तो हम परमेश्वर के इस राज में जाने पाएंगे। What is going to happen at the end of this world? इस संसार के अंतिम दिनों में क्या होगा? In 2 Peter 3:10 we read that. दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय के 10 वचन में हम पढ़ते हैं। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। 12 वचन। और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण 12 और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। बट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम एज अ थीफ इन द नाइट इन द विच द हेवन शैल पास अवे विद अ ग्रेट नॉइस And the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burnt up, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So after the coming of the Lord, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात a powerful dictator will be ruling this world. एक बहुत बड़ा एक शासक आकर के पूरे पृथ्वी के ऊपर शासन करेगा। He'll be torturing the Christians who could not be caught up with the coming of the Lord. और जो मसीही लोग यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं गए उन लोगों को वो सबसे पहले सताएगा। Jesus clearly said, All will not be caught up with the coming of the Lord. यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है कि यीशु मसीह के आगमन में हर व्यक्ति उठा लिया नहीं जाएगा। He said two persons will be in the field, one will be taken, one will be left behind. तब यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि दो व्यक्ति मैदान में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा। Two women will be grinding the wheel, one will be taken, one will be left behind. दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस रही होंगी, एक उठा लिया जाएगा, एक हाथ छोड़ दिया जाएगा। Two persons may be in the same bed, one will be taken. One will be left behind. दो व्यक्ति एक ही खटिया में एक समान सो रहे होंगे, एक उठा लिए जाएंगे, एक हाथ छोड़ दिया जाएगा। That means in the same village, in the same neighborhood, in the same family, all will not be caught up.
उसका अर्थ यह है कि एक ही गांव में होने पर भी, एक ही परिवार में होने पर भी, एक ही घर में होने पर भी हर कोई उठा लिया नहीं जाएगा। We should be born again. हम नए सिरे से जन्म मिलना चाहिए। We should take the right baptism. सही बपतिस्मा लेना चाहिए। We should receive Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए। And we have to purify ourselves as Jesus himself is pure. जिस प्रकार यीशु पवित्र है वैसे हम अपने आप को भी शुद्ध करना चाहिए। Otherwise, when the trumpet sound, we will not be caught up. अगर ऐसा ना हो तो जब तुरी फूका जाएगा तो हम उठा लिए नहीं जाएंगे। Such people will be in this world. Such people will be in this world. इस प्रकार के लोग जो उठा लिए नहीं जाएंगे इस पृथ्वी में रह जाएंगे। So for 3.5 years, Antichrist, the powerful leader, will be torturing them. और 3.5 साल के लिए ये शासक आकर के इस मसीहों को जो हाथ छोड़ दिए गए हैं ताड़ना देगा। So at the end of the 3.5 years, और 3.5 साल के अंत में, till the 3.5 years, he'll be telling them to take the mark in his in their right hand or in the forehead. ये पहले 3.5 साल में ये मसीह विरोधी आकर के अपने माथे पर और अपने दाहिने हाथ में 666 का ये संख्या और अंक को लो करके वो दबाव डालेगा। So the Christian, though they are left behind, they will not be taking it very easily. और मसीही लोग यद्यपि वो हाथ छोड़ दिए गए हैं तथापि इतने आसानी से ये 666 के संख्या को नहीं लेंगे। Some may take also because the torture on those days will be terrible. उन दिनों में होने वाले सताव को देकर के शायद कुछ लोग डर के मारे ले भी ले। But those who will not take, those who refuse to take, will be killed. किंतु जो लोग इसको लेने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, वे लोग मारे जाएंगे। At the end of the 3.5 years, Jesus will come to take all those who die as a martyr without taking the mark of the Antichrist. और 3.5 साल के अंत में वे सारे लोग जो इस मसीह विरोधी की संख्या को नहीं लेकर के शहीदों की मौत मने हैं, उन्हें लेने के लिए यीशु मसीह आएगा। Then another 3.5 years, there will be great tribulation for all the people of this world who take the mark of the Antichrist. और दूसरा 3.5 साल इस पृथ्वी में एक बहुत बड़ा क्लेश, एक महाक्लेश का समय होगा और यह क्लेश उन सारे लोगों के लिए होगा जितनों ने यह 666 का संख्या अपने शरीर में लिया है। It will be a judgment upon such people. और ये उन लोगों के ऊपर होने वाला एक दंड आज्ञा है, एक न्याय है। Then after that, there will be war. और इस उसके बाद एक युद्ध होगा। It is called as the Armageddon war. और उस युद्ध को अर्मगीदोन का युद्ध करके कहा जाता है। In this war, our Lord will, Jesus will come and fight against them and they all will be defeated. और उस इस युद्ध में हमारा प्रभु यीशु मसीह आप उत्तर तक आएगा और मनुष्य के विरुद्ध में लड़ेगा और उन्हें पराजित करेगा। If we have time, we will study about all this in detail tomorrow. और अगर परमेश्वर को अनुमति या समय देता है तो हम लोग कल इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। And then our Lord will be ruling in this world for 1000 years. और उसके उस युद्ध के पश्चात हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर 1000 साल का राजत्व करेगा। The capital will Jerusalem. और उस समय में पूरे पृथ्वी का राजधानी यरूशलेम होगा। And before ruling, the devil will be bound and kept in the bottomless pit. इससे पहले कि यीशु मसीह का राज्य शुरू हो उस समय में इस शैतान को, अजगर को, उस समय पाताल कुंड में तो अतः कुंड में बंद कर दिया जाएगा। Before that, Antichrist and the false prophet also will be put in the lake of fire. और उससे पहले ही ये भविष्यता, ये झूठा भविष्यता को और ये झूठा भविष्यता को लेकर और झूठा भविष्यता और मसीह विरोधी को लेकर के आग के झील में डाल दिया जाएगा। Then our Lord will be ruling this world for 1000 years. और उसके बाद हमारा प्रभु 1000 साल के लिए राजत्व करेगा। And if Adam had not disobeyed God, how Eden Garden would have been? It would be such a blessed experience. अगर आदम पाप किया हुआ, पाप ना किया होता तो अदन का उद्यान का अनुभव कैसा होता? वैसा ही एक अनुभव 1000 साल के राज्य में इस पृथ्वी में होगा। All will be worshipping only Jesus. सारे लोग केवल यीशु मसीह की आराधना करेंगे। The whole world shall be filled with the knowledge of God. सारा पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से पूर्ण होगा। Nobody will do anything evil to others. कोई भी एक दूसरे के विरोध में कुछ हानि नहीं करेंगे। There will be no fighting, no killing. कोई लड़ाई नहीं, कोई हत्या नहीं। Nobody will steal. कोई चोरी नहीं करेगा। Everybody will live in peace. हर एक लोग शांति से जिएंगे। Even animals will not fight with one another. यहाँ तक कि जानवर भी एक दूसरे को नहीं मारेंगे। Now when you take a dog, अभी एक कुत्ता को ले लीजिए। If looks at another dog, immediately it will bark. जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देखता है तो तुरंत उसके ऊपर भोगता है। इन द 1000 ईयर्स रूलिंग इवन डॉग्स विल नॉट बार्क अपॉन अनदर डॉग्स। लेकिन 1000 साल के राज्य में एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देखकर भोगेगा नहीं।
lion and tiger they will eat grass. और शेर और ये और सिंह जो है वो घास खाएंगे. अकॉर्डिंग टू Isaiah 11 अवर चिल्ड्रन विल बी एबल टू प्ले विद द स्नेक्स. और यशायाह की किताब 11 अध्याय के अनुसार हमारे छोटे छोटे बच्चे सांप के साथ खेलेंगे. नाउ इफ यू सी एनी स्नेक, अभी अगर हम कोई सांप को देख लेते हैं, चिल्ड्रन आर देयर, अगर बच्चे वहां हैं, इमीडिएटली विल कॉल देम, हे स्नेक स्नेक कम इनसाइड. हम लोग तुरंत चिल्लाते हैं, बोलते वहां सांप है इधर आ जा. बट इन द मिलेनियम, किंतु हजार साल में, अवर चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग विद कोबरा, हमारे बच्चे लोग नाग के साथ खेलेंगे. यू मे कम एंड सी, आप आकर देखोगे. एंड यू नॉट बी शॉक्ड, और आप अच्छे पे नहीं होंगे. चाइल्ड यू आर प्लेइंग विद कोबरा, ओह वेरी नाइस. अगर ये हमारा बच्चा एक नाग के साथ खेल रहा है, देखकर के आप खुश हो गए, अच्छी बात है. राइडिंग अबाउट द टाइगर, ओह इट्स वंडरफुल. अगर वो शेर के ऊपर सवार करके चल रहा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छी बात है. ओके, प्ले विद द कोबरा, ठीक है, सांप के साथ खेलते रहो. व्हेन यू कम होम, व्हेन यू कम होम, अगर तुम जब घर आओगे, प्लीज ब्रिंग द कोबरा ऑल्सो, अपने साथ इस नाग को भी ले आना. मम्मी विल गिव इट मिल्क एंड अंडा, और मम्मी जो है उसके लिए दूध और अंडा बना करके रखेगी. नो फाइटिंग, नो किलिंग, उस समय कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हत्या नहीं. नो पुलिस स्टेशन, वहां पर उस समय कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा. नो टेररिज्म, वहां पर कोई आतंकवादी नहीं होगा. नो AK-47, वहां पर AK-47 नहीं होगा. एवरीवेयर इट विल बी पीसफुल, ऑल विल बी वर्शिपिंग जीसस. हम हर एक जगह में केवल शांति शांति शांति, और हर एक लोग यीशु की आराधना करेंगे. आइए हम लोग इसके लिए खाली ले चिल्लाए. Soon the whole world is going to be ruled by our Lord Jesus. Pura prithvi pura jahan jo hai ye Yeshu Masih ke dwara shasan kiya jayega. So people will multiply like anything very fast. Aur us samay mein manush bahut hi bahut sankhya mein un badhte chale jayenge. People will live for 600 years 700 years. Us dinon mein manush ki aayu 600 700 varsh ki hogi. The whole world shall be filled with people. Aur us samay mein pura prithvi manush se bhar jayega. Then whenever God wants to bless everybody, anybody, he wants to test them. और जब कभी भी परमेश्वर किसी को आशीष करना चाहे, तो उससे पहले वो उसकी परीक्षा करेगा. Then the devil will be released from the bottomless pit. और उसके बाद परमेश्वर जो है उस पुरातन सर्प को, शैतान को, उस अथकुंड से निकालेगा. So because of lack of time, I am not taking all the verses for everything what I say. There are Bible verses support. समय के अभाव के कारण सारे वचनों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ उस सब के लिए परमेश्वर का वचन है. So then the devil will be released. और उसके बाद जब ये शैतान छोड़ दिया जाएगा या निकाला जाएगा, will come and tempt the people again. वो दोबारा आकर के मनुष्य को उसकाएगा. अगेन वन बिग ग्रुप विल ज्वाइन इन, और उस समय में बहुत बड़े एक दल आकर के शैतान के साथ मिल जाएंगे. So devil along with them once again come against Jesus and the holy city Jerusalem. और उस समय में ये शैतान के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या मनुष्य की परमेश्वर मसीह के विरुद्ध में यरूशलेम में चढ़ाई करेंगे. देन गॉड विल सेंड दिस फायर एंड डिस्ट्रॉय हिम, और उस समय में परमेश्वर आग को भेज करके उन्हें नष्ट करेगा. एट दैट टाइम सन मून होल द यूनिवर्स विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड डिसअपीयर. और उसी समय में सूरज चांद सितारे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा. नाउ लेट अस स्टडी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, और अब हम देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा. Now we are going to study about two judgments. वर्तमान हम लोग दो न्याय के विषय में या दंड आज्ञा के विषय में देखेंगे. One is which is going to upon the Jerusalem, city of Jerusalem. एक ये यरूशलेम नगर के ऊपर होने वाले दंड की आज्ञा. Then another one, the judgment upon the whole world. और दूसरा दंड की आज्ञा जो सारे पृथ्वी के ऊपर होने जा रहा है. The reason is same. The reason for judgment. और अगर हम उस दंड आज्ञा के कारणों को देखें, it's the same. दोनों का कारण एक ही है. फॉर द जजमेंट अबाउट जेरूसलम, फॉर द जजमेंट अबाउट द वर्ल्ड, द रीजन इज सेम. यरूशलेम के ऊपर आने वाले दंड की आज्ञा और पूरे पृथ्वी के ऊपर आने वाले दंड की आज्ञा का कारण एक ही है. द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी बैंड विद फायर. ये पूरा पृथ्वी जो है आग से जलाया जाएगा. नाउ लेट अस सी इन डिटेल. अभी हम लोग विस्तार से देखते हैं. इन 2 Peter 2:6 वी रीड दैट. दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 6 वचन में, गॉड सेंट सोदम लॉट आउट ऑफ सोदम देन डिस्ट्रॉयड द पीपल. और परमेश्वर ने सोदम गोमोरा में लोगों को विनाश किया. देन ही डिस्ट्रॉयड सेव्ड लॉट, ही रिमूव लॉट. सोदम गोमोरा से परमेश्वर ने सबसे पहले लॉट और उसके परिवार को बचाया, वहां से बाहर निकाला, और उसके बाद उस नगर को नाश किया. सो लाइक दैट द पीपल द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड विल बी टेकन अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड फर्स्ट. उसी प्रकार सबसे पहले परमेश्वर के सच्चे भक्त लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी से ले जाएगा. देन जजमेंट विल कम, और उसके बाद दंड आ गया. इन Genesis 19:4
उत्पत्ति की किताब 19वें अध्याय के 4 वचन में वी रीड अबाउट एन इंसिडेंट, हम एक घटना को देखते हैं. वी सी थ्री एंजल्स आर कमिंग दैट लॉर्ड्स हाउस. हम देखते हैं कि वहां पर दो स्वर्गदूत लूत के परिवार में या घर में आता है. दे केम डाउन फ्रॉम हेवन, वो स्वर्ग से उतर के आते हैं. टू डिस्ट्रॉय सोदम एंड गोमोरा, सोदम गोमोरा को नाश करने के निमित्त. बिकॉज ऑफ देयर सिन, क्योंकि उनके पाप बढ़ गए थे. व्हाट इज द सिन ऑफ सोदम एंड गोमोरा, सोदम गोमोरा का पाप उन दिनों में क्या है? दे कमिटेड सिन, वे लोगों ने पाप किए. बट दे डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट, किंतु किए हुए पाप के लिए उनको कोई फिक्र या कोई चिंता नहीं है. दे डिड नॉट वॉन्ट टू हाइड, वे उस पाप को छुपाना भी नहीं चाहते. रीड आईसीओ 3:9. अगर हम लोग यशा किताब 3:9 को पढ़ते हैं, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है. वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप ही बखनाते और नहीं छिपाते हैं. उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है. द शो ऑफ द काउंटेनेंस डज विटनेस अगेंस्ट देम एंड दे डिक्लेयर द सिन एज सोडोम, दे हाइड इट नॉट. वो अनटू देयर सोल, for they have rewarded evil unto themselves. What is the sin of Sodom? Sodom ka paap kya hai? They committed a terrible sin. Unhone bhayankar paap kiya. They were so wicked. Ve log itne dusht the. But they were not ashamed. Kintu usse ve lajjate nahi. They were openly declaring it. Ve log खुल्लम खुल्ला उसको घोषणा करते हैं. They did not want to hide it. वो उसको छुपाना नहीं चाहते. That's why God sent fire and destroyed the whole Sodom and Gomorrah. इसी कारण से कि परमेश्वर ने सोदम गोमोरा के ऊपर अग्नि वर्षा किया. What was their sin? उनका पाप क्या था? When the angels came, they came to the house of Lot. जब स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर करके लूत के घर में आया. And told them, bring those two men outside. उस समय में वेलो ने कहा कि ये दो व्यक्ति को बाहर निकालो. We want to have homosexual relationship with them. क्योंकि हम उनके साथ एक शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं. They were so wicked. वे लोग इतने दुष्ट थे. In Genesis 19 we read that. उत्पत्ति किताब 19वें अध्याय में हम देखते हैं. Before they could lie down for sleeping. और सोने से पहले. In verse 4. चौथे वचन में. The men of Sodom compassed the house round. Both old and young, all the men, old men, young men, everybody came around the house. सोदोम नगर के पुरुष ने जवानों से लेकर के बूढ़े तक जितने भी वहां पर पुरुष थे सब लोग आकर के लूत के परिवार या उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया. And they told Lot. और लूत से कहा, ब्रिंग दोज मेन आउटसाइड, उस उन पुरुषों को बाहर निकालो. वी वॉन्ट टू कमिट सिन विद देम, क्योंकि हम आज उनके साथ पाप करना चाहते हैं. यंग बॉयज, जवान बच्चे, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, दे आर ऑल देयर, वो लोग सब वहां हैं. दे वॉन्ट टू कमिट सिन, वे सब पाप करना चाहते हैं. ओपनली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वे लोग खुल्लम खुल्ला सबके सामने इस प्रकार का पाप करना चाहते हैं. सो विकेट, वे लोग इतने दुष्ट थे. देयर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड वॉज सो लो, उनकी आत्मिक अवस्था इतना नीचे था. सो दैट्स व्हाई गॉड वॉज कंपेल्ड टू सेंड फायर एंड डिस्ट्रॉय देम. इसी कारण से परमेश्वर को मजबूरी में उस स्वर्ग से आग उतार के उन्हें नष्ट करना पड़ा. नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग इन जेरूसलम, और यही बात आज के दिन में यरूशलेम में हो रहा है. सेम थिंग इज हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड, और यही बात आज के दिन में पूरे दुनिया में होते हुए हम देखने पाते हैं. कंपेयर्ड टू मेनी नेशंस, इंडिया इज मच बेटर इन दिस एस्पेक्ट. और सारे दुनिया के साथ तुलनात्मक रीति में देखा जाए तो शायद भारत कुछ अच्छा ही है. बट सून सच थिंग्स विल हैपन इन इंडिया ऑल्सो, पीपल विल बी डूइंग द सेम मिस्टेक विदाउट एनी शेम. लेकिन बहुत ही शीघ्र भारत में भी इसी प्रकार के पाप को बिना किसी लज्जा के मनुष्य करने लगेंगे. सो फॉर द पास्ट 17 ईयर्स, पिछले 17 सालों से, इन जेरूसलम, यरूशलेम में, इट इज अ होली सिटी, वो एक पवित्र नगरी है. फ्रॉम देयर ओनली आवर लॉर्ड इज गोइंग टू रूल द होल वर्ल्ड आफ्टर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. यीशु मसीह के आगमन के पश्चात वहीं से हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा. इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर द क्रिश्चियंस एंड द ज्यूज, यहूदियों के लिए, मसीहों के लिए वो यरूशलेम एक बहुत ही मुख्य स्थान है. बट फॉर द 17 ईयर्स, किंतु पिछले 17 सालों से, व्हाट दे आर डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग अ प्रोसेशन, वे लोग के अंदर एक जुलूस, एक यात्रा होता है. दे कॉल इट गे प्राइड, और वे लोग उसको गे प्राइड करके कहते हैं. व्हाट डज इट मीन, और इसका अर्थ क्या है? गे मीन्स द मेन कमिटिंग विद वन अनदर. गे का अर्थ यह है कि पुरुष समलिंग पाप करते हैं. एंड लेडीज दे ऑल्सो डू द सेम थिंग, वुमेन कमिटिंग सिन विद वुमेन, दे आर कॉल्ड लेस्बियन. उसी प्रकार स्त्री लोग भी स्त्री के साथ शारीरिक पाप जो करते हैं उसे लेस्बियन करके कहा जाता है. से और जो वो क्या कहते हैं? वी आर गेस, हम लोग गे हैं.
अब हम लोग समलिंगन पाप करने वाले लोग हैं. वी आर हैविंग दैट बैड हैबिट. हमारे अंदर ये बुरा स्वभाव या आदत है. वी आर गेस. हम लोग समलिंगन हैं. वी आर प्राउड ऑफ दैट. और हम इसके लिए गर्वी या घमंडी हैं. वी आर नॉट अशेम्ड. हमको इससे शर्म नहीं है. मैन आर कमिटिंग सिन विद मैन, वुमेन आर कमिटिंग विद वुमेन. वी आर वेरी प्राउड अबाउट दैट. पुरुष पुरुष के साथ पाप, स्त्री स्त्री के साथ पाप करते हैं और इसको करने के बाद वे लज्जाते नहीं है. टू शो दिस दे इनवाइट पीपल फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हैव ए प्रोसेशन एंड एंजॉय इट. और इस बात को कि हमें कोई लज्जा नहीं है, पूरे विश्व भर के लोग उस स्थान में आकर के वे लोग आनंदित होते हैं, मग्न होते हैं. सो लास्ट ईयर 1 लाख पीपल अटेंडेड सच प्रोसेशन फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे विश्व भर से लोग पिछले साल इस यरूशलेम में आकर के तकरीबन 1 लाख के लोग जमा हुए थे. दिस ईयर जून 1,20,000 पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. किंतु इस साल के जून के महीने में उस यरूशलेम में पूरे दुनिया से 1,20,000 लोग आए थे. द कैपिटल ऑफ जेरूसलम इज कॉल्ड टेल अवीव. यरूशलेम की जो राजधानी जो टेल अवीव करके कहा जाता है. इन दैट प्लेस इट स्टार्टेड. और उसी जगह में इसका आरंभ हुआ. नाउ व्हाट द वर्ल्ड से. और दुनिया क्या कहता है. सच थिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर. ये बातें तो पूरी दुनिया में हो रहा है. बट द वर्ल्ड नाउ से दैट टेल अवीव और जेरूसलम इज द बेस्ट प्लेस फॉर द गेज. और ये तेल अवीव नामक स्थान या यरूशलेम इस प्रकार समलिंग विवाहित करने वाले लोगों के लिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम स्थान है. बिकॉज दे सेलिब्रेटेड सो नाइसली एंड एंजॉय. क्योंकि वे लोग इस उत्सव को बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ पालन करते हैं. थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम थ्रू आउट वर्ल्ड पीपल आर कमिंग देयर. पूरे दुनिया से विश्व से लोग वहां पर आते हैं. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी बिकम अ कॉज फॉर जजमेंट फॉर देम. और अभी ऑफ जजमेंट. और अभी यही है उनके ऊपर आने वाला एक दंड आज्ञा का कारण. नाउ व्हाट इसराइल गवर्नमेंट इज टेलिंग अभी डूइंग. और वर्तमान इसराइल का सरकार क्या कह रहा है. दे ऑल्सो सपोर्ट दिस. वे लोग भी इसके लिए सहयोग देते हैं. व्हेन द प्रोसेशन स्टार्टेड. और जब इस प्रकार का यात्रा या जुलूस शुरू होता है. मेयर ऑफ द कंट्री केम एंड ही gave a speech and started the procession. और उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो खुद वहां पर आते हैं और आने के बाद एक भाषण देने के बाद ये शोभा यात्रा शुरू होता है. वेलकम ऑल द पीपल. और वे सबको सब लोगों को स्वागत करते हैं. इसराइल इज ए वेरी स्मॉल कंट्री. इसराइल एक बहुत ही छोटा राष्ट्र है. द लेंथ ऑफ द इसराइल इज ओनली 300 miles. और उसकी जो लंबाई है केवल 300 मील तक ही है. विथ दिस ओनली 90 miles. और उसका जो चौड़ाई है वो एक तकरीबन 90 मील का है. टोटल पॉपुलेशन इज ओनली 8 लाख. और उस इसराइल का संपूर्ण जनसंख्या केवल 8 लाख. बट इट्स ए वेरी पावरफुल कंट्री. लेकिन बहुत ही शक्तिशाली देश. वाई. क्यों. बिकॉज ऑफ एब्राहम. क्योंकि अब्राहम के कारण. एब्राहम वॉज देयर फोर फादर. अब्राहम जो उनके पूर्व पिता है. बिकॉज ही ओबेड गॉड इन एवरीथिंग. क्योंकि उसने हर विषय में परमेश्वर की आज्ञा माना. गॉड ब्लेस्ड इट. परमेश्वर ने उसे आशीष किया. इवन नाउ इट इज ए ब्लेस्ड कंट्री. आज भी अब्राहम के कारण वो एक आशीषित देश है. Come to know that by the food product they produce in Jerusalem, they can supply it, so they can feed the whole world. अगर हम इस आशीष के विषय में देखें तो हम देख सकते हैं कि इसराइल राष्ट्र में या देश में जितना भी धन या धान्य या फलों का उत्पादन वहां पर होता है उतना इतना ज्यादा होता है कि पूरे दुनिया के वे लोग खिला सकते हैं. बिकॉज ऑफ एब्राहम दे आर ब्लेस्ड लाइक दिस. अब्राहम के कारण वे लोग इस स्थिति से आशीषित हुए. बट नाउ दे आर सो प्राउड दे डोंट केयर फॉर गॉड. किंतु वे लोग अभी इतने अहंकारी और गर्वी हो गए कि परमेश्वर की परवाह नहीं करते. द प्रोसेशन व्हाट दे डिड. और इस शोभा यात्रा में वे लोग क्या करते हैं. सो इन द नोटिस आई कैन सी इट इज इन नंबर 8. और अगर आपको दिया हुआ नोटिस को देखें तो आप लोग 8वें नंबर चित्र को देख सकते हो. इट्स मोर क्लियर इन द चार्ट. लेकिन उससे भी स्पष्ट रीति से हम दिखाने वाले चार्ट में आप लोग देखने पाओगे. सी दे आर कमिंग ऑन अ प्रोसेशन. हम लोग यहाँ पर इस प्रकार की शोभा यात्रा या जुलूस को आप लोग देख सकते हो. 1 लाख पीपल. इट इज द मेन सिटी ऑफ जेरूसलम. और यरूशलेम की एक मुख्य नगरी में ये हो रहा है और तकरीबन 1 लाख के लोग यहाँ पर जमा है. एंड हियर सम पीपल आर स्टैंडिंग. यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं. They are inviting them by spreading paper flowers upon them. और वे लोग इन लोगों को निमंत्रण ने तो उन लोगों को स्वागत करने के लिए फूलों की वर्षा और रंग बिरंगे कागजों की वर्षा कर रहे हैं. Like we are spraying flowers upon the people, throwing flowers upon the people. वे लोगों के ऊपर फूल को और रंग बिरंगे कागजों की वर्षा कर रहे हैं. See, here also people are standing. देखिए यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं. They are all half naked. वे लोग अर्ध नंगे हैं. Here this portion is covered. और यहाँ पर ये भाग जो है हमने छुपा दिया है. Because they are standing naked. क्योंकि ये व्यक्ति संपूर्ण रीति से नग्न है. In front of 1 lakh people, they are standing naked and spreading, spraying water flowers, paper flowers upon them and welcoming them. ये 1 लाख मनुष्यों के सामने
एक लाख की जनसंख्या के सामने ये व्यक्ति संपूर्ण रीति से नग्न होकर के उन लोगों के ऊपर फूल और रंग बिरंगे कागजों का वर्षा कर रहा है। Here we some young girls, यहाँ पर हम जवान लड़कियों को देखने पाते हैं। They are covering their backside with the flag of Israel. और वे लोग अपने पिछले भाग को इज़राइल के झंडा से छुपाए हुए हैं या ढापे हुए हैं। In that Israel's national sign also is there. और वहाँ पर हम लोग इज़राइल का जो प्रतीक है हम उसको भी देखने चिन्ह को भी देखने पाते हैं। Nobody can use the sign of the country for any purpose like this. और कोई भी अपने देश के झंडे को या उसके प्रतीक को इस प्रकार की बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। In India, if anybody uses the Ashok Chakra for this purpose, immediately Indian government will arrest them and put them in the prison. अगर हमारे भारत देश में इस प्रकार की किसी प्रकार की शोभा यात्रा के लिए अगर अशोक चक्र का प्रयोग करे तो उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेते हैं। But their government don't care. लेकिन उनका सरकार चिंता नहीं करता। We enjoy. वे लोग आनंदित होते हैं। Take the country's sign also, we don't care. वे लोग उनके देश का चिन्ह को या प्रतीक को इस्तेमाल करने पर भी उनको उसकी कोई चिंता नहीं। Indirectly say, we also have fellowship with all their bad activities. और या दूसरी रीति से या भिन्न रीति से कहा जाए तो उन लोग ये कहना चाहते हैं कि इन लोग करने वाले सारे कामों में हम भी उसमें शामिल हैं। And they have a flag, और इस झंडे में it is having seven colors of the rainbow. हम यहाँ पर इंद्रधनुष के सप्त रंगों को देखने पाते हैं। When rainbow came to this world, सबसे पहले इस इंद्रधनुष को हमने कब देखा? Because of the wickedness of the people, God destroyed the whole world by flood. और जब मनुष्य की दुष्टता इतना पृथ्वी में बढ़ गया तब परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को विनाश किया। When all the people died, और उस समय में सारी पृथ्वी के लोग मर गए। It grieved his heart. It grieved God's heart. और परमेश्वर के मन में ये बहुत दुखी हुआ। So God said, परमेश्वर ने कहा, okay, hereafter whenever there's a rain, और परमेश्वर ने कहा कि अब कब जब कभी भी बारिश होगा, माई बो विल कम अप ऑन द क्लाउड, उस समय में मेरा एक धनुष तुम लोग आसमान में या बादल में देखोगे। मेक ए कवेनेंट विद यू, मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा। सो व्हेन द रेन कम्स, तब बारिश जब आता है, रेनबो विल कम, उस समय में हम लोग मेघ धनुष को देखते हैं। आई विल लुक एट द रेनबो, और जब हम लोग मेघ धनुष को देखते हैं, रिमेंबर द कवेनेंट व्हिच आई मेक टू द मैनकाइंड, उस समय में परमेश्वर उस मेघ धनुष को देख करके मनुष्य के साथ बांधा हुआ वाचा को स्मरण करता है। हियर आफ्टर व्हाट एवर मे बी द रीजन, आई विल नॉट डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड बाय फ्लड, आने वाले दिनों में कुछ भी कारण क्यों ना हो मनुष्य को मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। बट दे हैव टेकन द सेम कलर्स, और देखो इन लोगों ने वही मेघधनुष के सप्तरंगी को लिया है। विपज्योर, यू ऑल नो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इस प्रकार विपज्योर को इस प्रकार सात रंगों को हम लोग सब जानते हैं, हम लोग देख सकते हैं। दिट इज द कलर फॉर गेस एंड लेस्बियंस, और ये जो रंग है ये समलिंग लोगों के लिए प्रतीक है। ऑल ऑफ देम दे ऑल ड्रेस्ड इन ए वेरी ऑकवर्ड वे ओनली, और ये जितने भी लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप देखो कि सबका जो वस्त्र पहनने का तरीका है बहुत ही भद्दा है। And there's one lecturer in Guwahati. और गुवाहाटी में एक इस प्रकार लेटर है, लेक्चरर, one believer. एक लेक्चरर है। He only used to give all this information to me. और वही व्यक्ति ने या उसी शिक्षक ने मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया। He told me. उसने मुझे कहा, पास्टर, आई वॉच्ड ऑल द वीडियोस एंड पिक्चर्स, और पास्टर जी इनके सारे वीडियोस को और फोटो को या छवि को मैंने देखा है। इन दैट आई सॉ ओनली टू गर्ल्स डिसेंटली ड्रेस्ड फुल्ली कवर्ड, और मैंने उन सारे वीडियो में और चित्र में देखा केवल दो ही तो लड़कियां हैं जो संपूर्ण रीति से अच्छी पोशाक को पहनी हुई है। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी दोस डिसेंट ड्रेस्ड गर्ल्स व्हाट दे आर डूइंग इन द पब्लिक, और अभी हम देखेंगे यद्यपि उन्होंने अच्छे से पोशाक तो पहना है लेकिन सारे लोगों के सामने लोग कर क्या रहे हैं। द प्रोसेशन वॉज गोइंग ऑन, जब ये शोभा यात्रा चल रहा था, व्हेन मेनी वेर वॉचिंग, कई लोग देख रहे थे, दे जस्ट स्टॉप्ड, और वे लोग रुक गए, एंड किसिंग ईच अदर इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, और सारे लोगों के सामने वे लोग एक दूसरे को चुम्बन दे रहे हैं। ऑल दिस पीपल आर वंडरिंग, अरे व्हाट द नॉनसेंस दिस गर्ल्स आर डूइंग, सारे लोग उसको देख करके अचंभित हुए कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं। बट दे आर नॉट बॉदर्ड, लेकिन वे लोग इस बात से चिंतित नहीं थे। दे कमिट ऑल दिस नॉनसेंस बट दे डोंट केयर, वे लोग इस प्रकार के सारे भद्दे घिनौने काम को कर तो रहे हैं लेकिन इसके विषय में उनको कोई चिंता नहीं है। इट हैपेंड समवेयर इन द मॉर्निंग, और ये सारी बातें सुबह के वक्त में हुआ। बट इवनिंग व्हाट हैपेंड, और संध्या के समय में दे वेंट टू अ हार्बर, अ सीशोर बाय नेम जोपा, और जोपा नाम के एक समुद्र तट पे, ये किनारे पे वे लोग गए।
एंड व्हेन वी सी द थिंग्स व्हाट दे डिड दिस इज नथिंग। और जब वे लोग ने वहां पर जो किया उसके बारे में सोचे या सुने तो ये कुछ भी नहीं है। व्हेन इट बिकेम डार्क, और जब अंधकार छाया, इन द इवनिंग, संध्या समय में, दे कमिटेड ऑल काइंड ऑफ सिन ओपनली इन द बीच। वे लोग उस समुद्र के किनारे हर एक सब प्रकार के पाप को खुल्लम खुल्ला करने लगे। इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, सबके सामने। दे आर नॉट अशेम्ड, वे लोग लज्जाए नहीं। दे फील दैट व्हाटएवर वी डू वांट टू डू वी विल डू, वी हैव द राइट, हु आर यू क्वेश्चन अस। और वे लोग इस प्रकार कहते कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं हमको करने का अधिकार है, हम खुल्लम खुल्ला करेंगे। दे डोंट केयर फॉर गॉड, और वे लोग को परमेश्वर की भी चिंता नहीं। टिल नाउ इसराइल इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, आज तक अभी तक इसराइल एक बहुत ही शक्तिशाली देश। देयर आर 7-8 कंट्रीज अराउंड देम, उस इसराइल देश के चारों तरफ हम लोग 7-8 बड़े बड़े राष्ट्रों को देखने पाते हैं। दे केम एंड फॉट अगेंस्ट देम, कई बार वे लोग आकर के इनके विरोध में चढ़ाई किया, बट दे कुड नॉट डिफीट द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, किंतु कभी भी इसराइल के संतान को वे लोग हराने ना पाए। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस विकेड एक्टिविटीज, किंतु वर्तमान इस प्रकार के घिनौने कामों के कारण, After the coming of the Lord, यीशु मसीह के आगमन के बाद, a great judgment will come upon एक बहुत बड़ा दंड की आज्ञा इन लोगों के ऊपर होगा। What will happen after the coming of the Lord? यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होगा? They'll be defeated. पहली बार वे लोग हारेंगे। In Zechariah 14:2 we read, जब हम लोग जकरिया की किताब 14 अध्याय और उसके दूसरे वचन को जब पढ़ते हैं, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीपक है। Zechariah 14:2 For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वो नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रह नहीं पाएंगे। After the coming of the Lord, there is a big war against them. और यीशु मसीह के आगमन के पश्चात इन लोगों के विरोध में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ेगा। That time this will happen. और उस समय में ये दो वचन में जो लिखा है वो होगा। They will be defeated by the enemies. और वे लोग शत्रु के द्वारे हार जाएंगे। They will no longer be winners because of these wicked activities. इन लोगों के दुष्टता के कारण उन लोग और जीत नहीं पाएंगे। And same thing is happening in America and other countries also. और यही इसी प्रकार की बातें अमेरिका और इस प्रकार के भिन्न भिन्न देशों में होते हुए हम देखने पाते हैं। Last month a law has been passed in America. और पिछले महीने अमेरिका में इस प्रकार के एक संविधान को नियुक्त किया। They call it equal rights. और उन लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार। According to the law, उस संविधान के अनुसार, ए मैन कैन मैरी ए मैन एंड ए वुमेन कैन मैरी ए वुमेन, एक पुरुष से विवाह कर सकता है, एक स्त्री से विवाह कर सकता है। गे मैरिज हैज बीन मेड लीगल इन अमेरिका। समलिंग विवाह को उन लोगों ने अधिकार दे दिया, उनको लागू दे दिया। व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड ऑल द अमेरिकन्स मेजॉरिटी ऑफ देम दे बिकेम वेरी हैप्पी। और इस प्रकार जब घोषणा किया गया या उसको अनुमति जब दिया गया तो अमेरिका के अधिकांश लोग बहुत ही आनंदित हुए। दे वर फाइटिंग फॉर दिस राइट फॉर नियरली 15 ईयर्स। और ये जो चित्र आप देख रहे हो ये दोनों पिछले 15 साल से इस अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं। बट व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस, और जैसे ही उसके कोर्ट ने जब इसकी घोषणा किया, लाइक हिम मेनी अदर्स ऑल्सो केम आउट, इसके समान बहुत सारे लोग बाहर आए। दे सेड वी वर एंगेज फॉर 30 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स, नाउ वी आर मैरिड। और वे लोग इस प्रकार बोलते हैं कि हम दोनों गुप्त रीति से 15 साल 20 साल पहले हम लोग मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान अब ये घोषणा हो गया, इसके लिए अभी हम शादी को निकल रहे हैं। नाउ वी हैव द रियल फ्रीडम नाउ ओनली, अभी ही हमको एक सही रीति का स्वाधीनता मिला है। वी हैव द रियल पीस, अभी हमें शांति मिला है। सो फ्रॉम दैट डे इट वॉज डिक्लेयर्ड, और उस दिन से ये घोषणा किया गया। मेनी स्टार्टेड डूइंग सच मैरिजेस, और उसके बाद से कई लोग इस प्रकार समलिंग विवाह करने लगे। हियर वी टू मैन दे आर मैरिड, हम यहाँ पर देखते हैं कि दो पुरुष लोग विवाह कर रहे हैं। आफ्टर दिस लॉ इज पास्ड, जब आफ्टर दिस लॉ ये व्यवस्था लागू होने के बाद, दे आर फ्रॉम केरला, और ये दोनों लड़के जो हैं केरला से हैं। नाउ दे आर सेटल्ड इन कैलिफोर्निया, वर्तमान ये लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। दिस टू, और ये दो व्यक्ति, this is the president of one country, और ये एक देश का राष्ट्रपति है। one of the European countries,
एक पश्चिमी नहीं तो यूरोपियन देश में से एक देश का वो राष्ट्रपति है. इज ए वेरी बिग ऑफिसर इन द यूरोपियन यूनियन. और संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत बड़ा अधिकारी. दे बोथ मैरिड. इन्होंने आपस में विवाह किया. दे आर सो हैप्पी. दे आर नॉट अशेम. वे लोग लज्जित नहीं है, बहुत खुश है. दे आर नॉट अशेम. वे लोग लज्जित नहीं है. दिस हैपेंड इन इजिप्ट. और ये मिस्र देश में हुआ. 20 men and men दे वॉन्टेड टू मैरी. 20 पुरुषों के जोड़े आपस एक साथ विवाह किए. बट इन इजिप्ट इट इज नॉट लीगल. मिस्र देश में ये किया जाना गैर कानूनी है. सो पुलिस केम एंड अरेस्टेड ऑल ऑफ देम. इस कारण से पुलिस आकर के इन सारे लोगों को हिरासत में ले लिया. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ देम अबाउट देम. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट देम. और मैं उसके विषय में बहुत ही आनंदित हूँ. बिकॉज देर अशेम देर एटलीस्ट क्लोजिंग देयर फेसेस फ्रॉम अदर्स. क्योंकि वे लोग अपने मुंह को छुपा रहे हैं कारण उन्होंने जो किया है उससे वे लोग लज्जा रहे हैं. दिस फेलोज दे डोंट केयर. किंतु बाकियों को देखो उनको कोई चिंता ही नहीं है. दे लोग वेरी हैप्पी. वे लोग बहुत आनंदित हैं. दे से वी आर प्राउड अबाउट दिस. वे लोग कहते हैं कि हम इसके लिए गर्व ही हैं. एंड सम 3 years back 3 साल पहले देर वॉज अ पास्टर बाई नेम ब्रियन मैकलेरन इन अमेरिका. अमेरिका में ब्रियन मैकलेरन बोलकर के एक पादरी हैं. इज अ वेरी फेमस पास्टर. और ये बहुत ही प्रसिद्ध या विख्यात व्यक्ति हैं. हिज बुक्स आर रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. हिज बुक्स आर रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. और उस इस व्यक्ति का जो किताबें हैं पूरे दुनिया के लोग पढ़ते हैं. दिस इज हिज सन. और ये उसका बेटा है. दिस इज हिज बॉयफ्रेंड. और वो उसका साथी है. वन डे ही केम टू हिज डैडी. एक दिन ये व्यक्ति या ये लड़का अपने पिता के पास आता है. डैडी आई वॉन्ट टू मैरी माई बॉयफ्रेंड. और वो उसने कहा कि पिताजी मैं मेरे दोस्त के साथ विवाह करना चाहता हूँ. ही केम विद हेजिटेशन. और वो बहुत हिचकिचाहट के साथ आया. ही थॉट वेदर माई डैडी विल अग्री और नॉट. वो इस सोच में आया कि मेरे पिताजी उसके लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे. बट ही एम्ब्रेस्ड हिम सेड सन आई एम वेरी हैप्पी. और जैसे ही पिताजी को कहा तो पिताजी उसको सुनकर के बोला बेटा मैं बहुत खुश हूँ. ही इज अ पास्टर. वो एक पादरी है. बट ही हिमसेल्फ कंडक्टेड द मैरिज फॉर दीज टू मेन. और वो आप पादरी होते हुए अपने बेटे को विवाह करके दिया एक दूसरे लड़के के साथ. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट. ये सारी बातों को बोलने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है. बट इट्स अ मस्ट. यू मस्ट हैव ए नॉलेज. एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड मस्ट हैव ए नॉलेज अबाउट इट. किंतु हर एक परमेश्वर के बच्चों के अंदर इसका एक ज्ञान या समझ होना चाहिए. एंड यू शुड बी केयरफुल नॉट टू डू सच थिंग्स. और आप लोग सावधान रहें कि ऐसी बातों को ना करें. इफ एनी ऑफ यू हैव सच रिलेशनशिप प्लीज करेक्ट योर लाइफ इमीडिएटली. अगर आप लोग के मध्य में किसी के अंदर भी इस प्रकार का कोई आदत या स्वभाव है मैं आपको चेतावनी देता हूँ तुरंत छोड़ दें. अदरवाइज फायरी जजमेंट ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अग्नि का दंड की आज्ञा नहीं तो अग्नि वर्षा आपके ऊपर होगा. When we see all this thing, we understand the coming of the Lord is very, very near. जब ये सारी बातों को हम देखते हैं हम समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है. I already told that after the 1000-year ruling of our Lord Jesus in this world. मैंने आपको पहले बताया कि 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बाद Devil will again, once again gather a big army and come against Jesus. एक और बार ये शैतान एक बहुत बड़ी सेना को मनुष्यों की सेना को लेकर के यीशु के विरुद्ध में चढ़ाई करेगा. Now the whole world, every country, they are making lot of bombs. आज हम देखते हैं कि हर एक राष्ट्र हर एक देश पूरे दुनिया में बमों को बना रहा है. The Second World War, America dropped 2 atom bombs in Hiroshima and Nagasaki in Japan. दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान में नागासाकी नामक स्थान में 2 बड़े-बड़े एटम बम अणु बम को फेंका. Just one bomb, the whole city destroyed. एक बम से ही पूरा नगरी नष्ट हो गया. 2 cities wiped away. पूरा नगरी जो है संपूर्ण रीति से नेस्तनाबूत हो गया. Even now their children are born without limbs and even now that effect is there. आज भी जन्म नए जन्मने वाले बच्चों में इस बम का प्रभाव को देखने पाते हैं. In the year 2004, 2004 में अमेरिका made a bomb. अमेरिका ने एक बम का आविष्कार किया. दे कॉल्ड इट एज मदर ऑफ ऑल बॉम्ब. और उस बम को लोग इस प्रकार कहते हैं ये सारे बमों की माँ है. इट इज 4 times powerful देन द एटम बम्स. वो अणु बम से या एटम बम से 4 गुना शक्तिशाली है. देन रशियंस मेड अनदर पावरफुल बम. उसको देख करके रूसी लोगों ने और एक बम का निर्माण किया. विच वॉज मोर पावरफुल देन ऑल द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स. और वो जो टाइम्स पावरफुल. और That is 4 times powerful than the mother of all bombs. और ये रूसी लोगों ने जो बम का निर्माण किया वो बम
जो सारे बमों की जो माँ है उससे भी चार गुना शक्तिशाली है. एंड दे कॉल्ड इट फादर ऑफ ऑल बॉम्ब. और उसने उनका नाम दिया ये सारे बमों का बाप है. वी डोंट नो हाउ मेनी बॉम्ब दे हैव मेड एंड केप्ट. और हमको नहीं मालूम कि कितने बमों को उन्होंने इस प्रकार बनाया है. एंड नाउ हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैव कम. वर्तमान हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ. दे आर 2500 टाइम्स पावरफुल देन द एटम बॉम्ब. और ये 2500 गुना अधिक इस सारे बमों से अधिक शक्तिशाली एटम बम से भी बड़ी शक्तिशाली है. एंड हियर वी सी सम बम्स. यहाँ पर हम एक बम का चित्र देखते हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल बम. ये बहुत ही शक्तिशाली बम है. द वेट इज 37,000 टन. और इसका जो वजन जो है वो 37,000 टन है. इफ यू कीप द बम हियर. अगर आप इस मंच में अगर आप उस बम को रखोगे द होल स्टेज विल बी फुल. सच ए बिग बम. ये इतना बड़ा बम है कि ये पूरा जो मंच दिखाई दे रहा है वो इससे भर जाएगा. दिस इज ऑल्सो सच काइंड ऑफ बम्स. उसी प्रकार ये दूसरे बम को भी हम देख सकते हैं. सो व्हेन दे ड्रॉप दिस बम. जब ये बम को लोग फेंकते हैं इमीडिएटली हीट वेव विल कम. उसी समय एक बहुत बड़ा लहर उठता है. इट विल गो 50 किलोमीटर हाई. और वो 50 किलोमीटर ऊंचा उठेगा. इट विल गो टू 50 किलोमीटर द साइड्स ऑल्सो. और दोनों तरफ की ओर बढ़ते हुए भी वो 50 किलोमीटर दूर तक बढ़ते जाएगा. एंड हूएवर स्टैंड ऑन द वे. और जो भी कोई इस बम के तरंग के सामने दिखाई दे विद इन 1 सेकंड दे विल बी फ्राइड. एक सेकंड के अंतर्गत वो पूरा फ्राई हो जाएगा. दे विल बी रोस्टेड. वो उसको पूरा जल जाएगा. सपोज इफ यू बॉइल योर डेड बॉडी एंड कीप इट हाउ लाइट विल बी लाइक दैट. अगर एक व्यक्ति को अगर हम लोग एक मृत शरीर को अगर हम लोग उबाल करके रखते हैं जैसा दिखाई देगा वैसे ही वो दिखाई देगा. देयर टंग विल बी रॉटन इन देयर माउथ. उसके मुंह में ही उसकी उसका जीभ सड़ जाएगा. आईज विल बी रॉटन इन द आई सॉकेट. उसकी आंखें उसकी आंखों में ही डोले में ही सड़ जाएगा. इफ अ सोल्जर इज स्टैंडिंग विद अ गन. अगर कोई सैनिक बंदूक के साथ अगर खड़ा है विल बी स्टैंडिंग देयर. और वो ऐसे ही खड़ा रहेगा बट डेड. किंतु मरा हुआ. आईज विल बी डेड. माउथ विल बी डेड. होल बॉडी विल बी लाइक ए बॉइल्ड बॉडी. उसकी आंखें उसका शरीर उसका अंग प्रत्यंग पूरा एक उबला हुआ व्यक्ति के समान उधर ही मरा हुआ अवस्था में खड़ा रहेगा. व्हेन द हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड. जब इस प्रकार का हाइड्रोजन बम को फेंका जाता है अप टू 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर फायर विल कम लाइक दिस. और 50 किलोमीटर तक तो केवल आग ही आग होता है. सो एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. इस जगत के अंत के समय में व्हाट जीसस विल डू. यीशु मसीह क्या करेगा. ही विल सेंड हिज फायर. वो अपना अग्नि भेजेगा. सो दिस ऑल द बॉम्ब्स विल बी देयर. दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. दे कैन बी केप्ट फॉर 1000 ईयर्स ऑल्सो. और ये 1000 साल तक की भी बहुत सालों तक भी इसको रखा जा सकता है. ये नष्ट नहीं होता. व्हेन द फायर ऑफ गॉड कम्स. जब परमेश्वर का अग्नि उतरेगा ऑल दीज बॉम्ब्स विल बर्स्ट एट ए टाइम. उस समय में ये जितना भी बम जहां कहीं भी है सब एक साथ विस्फोटित होगा. इन 2 पीटर 3:10 दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय के 10 वचन में वी रीड दैट एलिमेंट्स विल मेल्ट. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि तत्व जो है तप्त से पिघल जाएगा. व्हाट इज एलिमेंट. और ये तत्व क्या है. इट इज द नेम ऑफ डिफरेंट मेटल्स. एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट. कार्बन इज एन एलिमेंट. हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन मर्क्यूरी इस प्रकार अलग अलग हम लोग तत्व को देखने पाते हैं. दोस हैव देयर ओन एटम्स. सेम काइंड ऑफ एटम्स. जिसके अंदर अपना ही एक एटम रहता है. व्हेन द एटम्स आर स्प्लिट. और जब ये एटम के अंदर एक विभाजित आता है डेवलप एनॉर्मस हीट. उस समय में उसके अंदर एक बहुत बड़ा गर्माहट नहीं तो ऊर्जा की सृष्टि होता है. और दैट वन पर्टिकुलर एलिमेंट इज यूज दैट इज कॉल्ड यूरेनियम. और उसके लिए एक विशेष प्रकार के धातु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तत्व का इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूरेनियम कहते हैं. विद यूरेनियम ओनली एटम बॉम्ब्स आर मेड. और यूरेनियम की मदद से ही हम लोग एटम बम को बनाते हैं. सो एलिमेंट्स विल नॉट बर्न बाय इटसेल्फ. और ये जो एलिमेंट है ये जो तत्व है अपने आप से नहीं जलता. व्हेन इट इज स्प्लिट ओनली it will produce enormous heat. किंतु जब ये एक दूसरे से अलग होने लगता है विभाजित होने लगता है तब वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा को एक बहुत बड़ी शक्ति को पैदा करता है. आई होप पीटर नेवर अंडरस्टूड व्हेन ही रोट दिस. मैं ये सोचता हूँ कि जब पत्रस ने इस बात को लिखा तो शायद वो कभी भी नहीं समझा था कि वो क्या लिख रहा है. ही डिड नॉट नो व्हाट इज एटम बम. और उसको ये भी नहीं मालूम था कि एटम बम क्या है. ही हैड ओनली सोर्ड. कि उसके पास तो केवल तलवार है. दैट्स व्हाई व्हेन पीपल केम टू अरेस्ट जीसस ही यूज्ड दैट सोर्ड. इसी कारण से जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसने तलवार निकाल दिया. बट होली स्पिरिट हैज ऑलरेडी रिवील्ड एवरीथिंग व्हाट विल हैपन इन द एंड टाइम्स. लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक ने अंतिम दिनों में क्या कुछ होगा उसके बारे में पत्रस को एक प्रकटीकरण दिया. बीइंग अर्ज्ड बाय द होली स्पिरिट ही हैज रिटन एलिमेंट्स विल मेल्ट. और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के उसने ये लिखा कि तत्व जो है
तप्त से पिघल जाएगा. जस्ट वन सेकंड, ए बिग बैंग, बिग साउंड विल बी देयर, हेवन, अर्थ, एवरीथिंग, ऑल द सन, मून, एवरीथिंग विद अ ग्रेट नॉइज डिसअपीयर. एक सेकंड में एक बहुत बड़ा विस्फोट के साथ, एक बहुत बड़े शब्द के साथ ये पूरा पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, सितारे जो है सब नष्ट हो जाएगी. ओके, व्हेन एवरीथिंग डिसअपीयर, और जब सब कुछ गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वेयर वी विल बी, तो हम कहां होंगे? All the sun, moon, earth, everything disappear. जब सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ जब गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो हम कहां होंगे? When everything disappear also, जब सब कुछ गायब हो जाए तब भी, if you are the children of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हो, we will be safe. हम सब उद्धार पाएंगे. We will not be affected by this. इन सारी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा. Shall we shout hallelujah for that? तो क्या हम इसके लिए हालेलुया चिल्लाएं? Where will be? Where we will be? हम लोग कहां होंगे? Read Psalms 8:1. हम लोग भजन संहिता 8 और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है. तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है. So God has kept स्वर्ग में, above all the heavens में. Okay, in the original it is written, above all the heavens. और यहां पर मूल भाषा में पढ़ने से सारे आकाशों से भी ऊपर. English also same thing. और अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखा है. So above all the heavens. सारे आकाशों से ऊपर. God's glory is above all the heavens. परमेश्वर का विभव, उसका तेज सारे आकाश से भी ऊपर. We will be in that glorious place safely without any problem. और हम सब लोग उस महिमा में, तेजों में, स्थान में बिना किसी नुकसान के आराम से रहेंगे. When the sun, moon, stars, everything is destroyed also, we will be safe. जब सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाने से भी हम सुरक्षित रहेंगे. God loves us so much. परमेश्वर से इतना प्यार करता है. Shall we shout hallelujah for that? तो उस प्रेम के लिए आइए, हालेलुया चिल्लाएं. Now God has arranged so many things for us. परमेश्वर ने इसके लिए हमारे लिए बहुत सारी चीजों को आयोजित करके दिया है. We must go try to go to the best place in heaven. इसलिए हमें चाहिए कि स्वर्ग में सबसे उच्च, सर्वोच्च स्थान में जाने के लिए प्रयास करें. If government is telling you, अगर सरकार आपसे कहता है, we are going here, going to give a house for everyone. हम हर एक को एक एक घर देने जा रहे हैं. Some will be thatched house. कई लोगों का झोपड़ी का घर है. सम विल बी टिना घर. कई लोगों का टिना का घर है. सम विल बी कॉन्क्रीट बिल्डिंग विद मार्बल्स एंड एवरीथिंग. कुछ लोगों का घर जो है कॉन्क्रीट मार्बल लगाया हुआ घर होगा. हाउ मेनी विल से यस आई वांट ए स्मॉल हट ओनली. कई लोग जब सरकार इस प्रकार आपको जब बोलेगा तो आप में से कितने लोग कहेंगे कि हाँ मेरे को ये बड़ा घर नहीं चाहिए, ये झोपड़ी मिलने से मेरे लिए काफी है. हाउ मेनी विल से आप में से कितने लोग ये बोलोगे? हाथ उठाइए. किसी को भी झोपड़ी नहीं चाहिए. वी ऑल वॉन्ट बिग हाउसेस. हम में से किसी को भी जब सरकार बिना मूल्य से घर देने के लिए जाए तो हम में से किसी को भी झोपड़ी नहीं चाहिए, हमको बड़ा घर चाहिए. गॉड गिव्स एवरीथिंग फ्रीली. सब कुछ परमेश्वर हमको बिना मूल्य का देता है. इट्स आवर ड्यूटी टू सेलेक्ट द बेस्ट प्लेस. अभी हमारा कर्तव्य है कि उच्च और अच्छे स्थान को चुन ले. वी हैव टू पे ए प्राइस फॉर दैट. और उसके लिए हमें एक मूल्य चुकाना है. दैट ऑल्सो इज गिवन फ्रीली बाय गॉड. और वो जो मूल्य चुकाना है वो भी परमेश्वर हमें बिना मूल्य का देता है. बाय ग्रेस यू आर सेव्ड. हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं. एवरीथिंग बाय ग्रेस. सब कुछ उद्धार अनुग्रह के द्वारा. इफ यू यूज दैट ग्रेस. अगर हम उस अनुग्रह को इस्तेमाल करें. एंड डू नॉट लूज द ग्रेस. अगर उस अनुग्रह को ना खोएं. देन वी कैन गो टू द बेस्ट प्लेस इन हेवन. तो स्वर्गराज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेंगे. सो फर्स्ट डे वी स्टडीड दैट व्हेन वी सी ऑल दीज थिंग्स द हैपनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड वी शुड लिफ्ट अप आवर हेड बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन ड्रॉ एट नाइट. पहले दिन संध्याकालीन समय में हमने देखा कि जब ये सारी घटनाओं को हम देखें उस समय में हम लोग जागते हुए, सचेतन रहते हुए हमारे सिरों को उठाना चाहिए. If you are not ready, अगर आप तैयार नहीं हो, we have to go through tribulation. हमें क्लेश के मार्ग से गुजरना पड़ेगा. Jesus said, यीशु ने कहा, to escape all this tribulation, इन सारे क्लेशों से, ताड़नाओं से बचने के लिए, and make yourselves worthy to stand before the Son of Man, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए, watch and pray always, जागते हुए हमेशा प्रार्थना करते रहो. He said, watch, I say it all. जागते रहो, मैं सबसे कहता हूं जागते रहो. एनीबडी, एवरीबडी, हर एक व्यक्ति से, सब
हर सब सबसे बिलीवर्स आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड विश्वासी हो या सेवक हो मेथोडिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च और नजरेन चर्च एनी चर्च वो कैथोलिक चर्च हो मेथोडिस्ट चर्च हो नजरेन चर्च हो कोई भी चर्च क्यों ना हो एनी चाइल्ड ऑफ गॉड यू वांट टू बी कॉट अप एट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड वी शुड वॉच एंड प्रे ऑलवेज अगर आप कोई भी कलीसिया के सभ्य या विश्वासी क्यों ना हो अगर आप विश्वासी की आगमन में उठा लिया जाना है तो आपको चाहिए कि आप जगते हुए प्रार्थना करते रहो ऑन द फर्स्ट डे वी स्टडीड हमने पहला दिन पढ़ा टू प्रे एंड टू गॉड एंड कन्फेस ऑल ऑफ अस इनटू जीसस हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हुए हमारे सारे पाप को स्वीकार करना चाहिए एंड वी हैव टू लीव देम और हम इस बात विश्वास करना चाहिए एंड वी शुड लीव देम और हम उस पाप को छोड़ देना चाहिए एंड वी शुड कम टू प्लेस हम एक ऐसे स्थान में आना चाहिए अवर लाइफ एंड कैरेक्टर शुड चेंज इन सच वे दैट हमारा जीवन और हमारा चरित्र एक ऐसे रीति में बदल जाना बिकॉज ऑफ अवर लाइफ बिकॉज ऑफ अवर मिस्टेक्स नोबडी शुड मर्मर अगेंस्ट जीसस हमारे जीवन के कारण हमारे चाल चलन के कारण कोई भी यीशु मसीह के ऊपर उंगली नहीं उठाना कुड़कुड़ाना नहीं यस्टरडे वी स्टडीड दैट हमने बीते दिन पढ़ा वी हैव टू मेक अनदर प्रेयर हम और एक प्रार्थना करना है दैट इज मेक ए कवेनेंट विद गॉड और वो है कि हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना है When our sins are forgiven, जब हमारे पाप की क्षमा होता है we should tell God, हम प्रभु को बोलना चाहिए Lord, thank you for forgiving me. हे परमेश्वर मेरे पाप को तूने क्षमा किया इसके लिए तेरा धन्यवाद हो Thank you for the joy and peace you have given unto me. धन्यवाद हो प्रभु क्योंकि तूने मुझे आनंद और शांति दिया Now I make a covenant with you. अब परमेश्वर मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ That I will never lose this peace and joy by committing sin again. मैं दोबारा पाप करके हे प्रभु कभी भी इस आनंद और शांति को नहीं खोऊंगा That is a second prayer. और यही दूसरा प्रार्थना है Then we should take baptism. तब हम बपतिस्मा लेना चाहिए Then after that we should pray at least for one hour every day. और उसके बाद प्रतिदिन कम से कम एक घंटा हम प्रार्थना करना चाहिए In Luke 3:21 we read that after Jesus took baptism, he prayed. और लूक रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय के 21 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद प्रार्थना किया Then Holy Spirit came upon him. और उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया So before Jesus came to this world, Before Jesus left this world, और यीशु मसीह संसार को छोड़ने से पहले So before going further, I want to tell something. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ Yesterday we talked about one world religion. मैंने बीते दिन आपको बता करके दिया था कि पूरे दुनिया में केवल एक ही धर्म होगा Now for that everybody is cooperating and working for that. और उसके लिए सारे देश के लोग सहयोग कर रहे हैं और लोग उसके लिए प्रयत्न या प्रयास भी कर रहे हैं When you go outside, जब आप बाहर निकलोगे In the entrance of this hall, और इस हॉल के प्रवेश द्वार के समीप a banner is put there. वहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ है There we can see, आप वहाँ पर देखोगे Somebody is giving a sickle and hammer in the hand of Pope Francis. आप वहाँ पर देखोगे कि एक व्यक्ति पोप फ्रांसिस के हाथ में एक हंसुआ और एक हथौड़ा को मिलाया हुआ एक एक, एक वस्तु उसको दे रहा है सिकल इज साइन ऑफ दिस कम्युनिस्ट और ये जो प्रतीक है ये जो हंसुआ जो है वो कम्युनिस्ट लोगों को दिखाता नहीं दिस देयर साइन वो उसका वही उसका प्रतीक है सिकल एंड हैमर और ये हंसुआ और हैमर जो है वो कम्युनिस्ट लोगों का प्रतीक है द लीडर ऑफ वन ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज कम्युनिस्ट देश का एक नेता इज गिविंग इट एज ए गिफ्ट टू पोप फ्रांसिस वो आकर के ये पोप फ्रांसिस को एक तोहफा के रूप में वो दे रहा है व्हाट द स्पेशलिटी इन इट और उसकी विशेषता क्या है व्हेन यू गो यू कैन सी जब आप बाहर निकलोगे तो आप उसको देखिएगा इन द हैमर उस हथौड़े में इट इज डिजाइन लाइक दिस जीसस इज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस उसको इस प्रकार का चित्रण किया गया या बनाया गया है जहां पर आप देखने पाओगे कि हथौड़े में यीशु क्रूस में झूलता हुआ दिखाई दे रहा होगा कम्युनिस्ट बेसिकली दे डोंट बिलीव गॉड कम्युनिस्ट लोग विशेष करके ईश्वर को लोग विश्वास नहीं करते इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इज डिफरेंट और भारत में देखने से इस प्रकार के साम्यवादी लोग थोड़े से अलग हैं बट द कम्युनिस्ट डोंट बिलीव गॉड लेकिन साधारण रीति से साम्यवादी लोग जो हैं वो ईश्वर को मानते ही नहीं एंड ही इज द लीडर ऑफ वन सच कंट्री किंतु और वो जो व्यक्ति है वो इस प्रकार के साम्यवादी देश का एक नेता है गिविंग हिज सिंबल टू पोप एज ए गिफ्ट और वो अपना देश का या अपना साम्यवादी का जो प्रतीक है वो जाकर के पोप को इनाम के तौर में दे रहा है विद जीसस Crucified on the cross. और वहां पर वो उस चिन्ह में एक ऐसा चित्र बनाया है या इस प्रकार से उसको बनाया है जहां पर यीशु मसीह क्रूस ने उसके लिए भी मरा हो And the Pope Francis is accepting it with a smile. और एक बहुत अच्छे मुस्कुराहट के साथ हंसी के साथ पोप फ्रांसिस उस तोहफे को ले रहा है द पर्सन हु सेज देयर इज नो गॉड जो व्यक्ति कहता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं इज गिविंग ए गिफ्ट टू अ लीडर ऑफ ए रिलीजियन विथ हिज गॉड और वो एक ऐसे धर्म नेता को
एक ऐसा तोहफा दे रहा है जो उसका ईश्वर है. A person who doesn't believe a God. जो व्यक्ति ईश्वर को मानता ही नहीं है. He is still giving a gift to a person who is the leader of a religion. वो एक ऐसे व्यक्ति को तोहफा दे रहा है जो कि एक धर्म नेता है. Which his God figure in that. और जिसमें उस व्यक्ति के ईश्वर का चित्रण किया गया है. So what does it show? ये क्या दिखा रहा है? Anybody is ready to join any religion. कोई भी व्यक्ति इस प्रकार उससे मिलने के लिए तैयार है. They are ready to join together and cooperate. वे लोग मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हैं. In among the well educated people, intellectual people, now everybody think that why should we fight for our religion? Let us all join together. सारे दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी लोग, महापुरुष लोग इस प्रकार बोल रहे हैं, धर्म के नाम में क्यों हम लोग एक दूसरे से लड़े मरे. So very soon there will be one world government and one world religion. इसी कारण से बहुत ही शीघ्र पूरे दुनिया में एक राज्य का सरकार होगा और एक धर्म दुनिया में दिखाई देगा. After that, the biochip will be the way of identification. और उसके बाद बायोचिप एक दूसरे का परिचय पत्र बन जाएगा. So from that we can understand the coming of the Lord is very very near. तो इससे हम समझने पाते हैं, जानने पाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है. So when everything destroy also God is going to preserve us in the heavenly places. Yes, इस समय में जब सब कुछ विनाश हो जाएगा तब भी परमेश्वर हम सबको एक स्वर्गीय स्थान में सुरक्षित रखना चाहेगा. So we have to obey God and obey God the maximum so that we can go to the highest place in heaven. इसी कारण से हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें ताकि हम उस सर्वोच्च स्थान में जाकर के पहुंचने पाए. बिफोर जीसस लेफ्ट दिस वर्ल्ड, जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के गया, ही टोल्ड हिज डिसिपल्स, उसने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, इन एक्ट्स 1:5 प्रेरितों के काम पहला अध्याय 5 वचन में, जॉन बैप्टाइज विद यू विद वाटर, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, बट सून यू शैल बी बैप्टाइज विद द होली गोस्ट, किंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. सो यू गो एंड वेट इन जेरूसलम, इसके लिए तुम लोग जाओ और यरूशलेम में बाट जो हो, टिल यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जब तक तुम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त न कर लो. व्हेन होली कम्स अपॉन यू, जब पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगा, यू कैन लिव अ वेरी गुड टेस्टिमोनियल राइट थ्रूआउट द वर्ल्ड, तब उस समय में तुम सारे पृथ्वी की छोर तक एक साक्षी का जीवन, एक गवाही का जीवन जीने पाओगे. सो व्हाट दे डिड, तो उन्होंने क्या किया, दे वेंट एंड वेटेड इन जेरूसलम फॉर 10 डेज विदाउट गोइंग एनीवेयर, और 10 दिन इन शिष्यों ने जाकर के कहीं भी बाहर ना जाते हुए एक स्थान में 10 दिन तक पवित्र आत्मा के लिए इंतजार किया. एंड 10th day होली स्पिरिट केम अपॉन ऑल ऑफ देम, और 10वें दिन पवित्र आत्मा उन सभी के ऊपर आकर के ठहर गई. टू बी कॉट अबाउट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड रिसीविंग होली स्पिरिट इज अ मस्ट, और पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह की आत्मा में उठा लिए जाने के लिए निहायत ही आवश्यक है. बिकॉज इन एफिशिएंस 4 chapter वी रीड दैट, एफिशिएंस की पत्री 4th अध्याय में हम पढ़ते हुए देखते हैं, इन verse 30 उसके 13 वचन में, होली स्पिरिट इज गिवन एज अ सील फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन, और 30वें वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन के लिए एक मुद्रा स्वरूप, एक छाप स्वरूप दिया गया है. सो व्हेन दे प्रेड फॉर 10 डेज, जब वे लोगों ने 10 दिन तक प्रार्थना किया, होली स्पिरिट केम अपॉन ऑल ऑफ देम, उस समय में पवित्र आत्मा उन सभियों के ऊपर आ गया. एक्ट 2nd chapter वी रीड अबाउट दैट, और प्रेरितों के काम उसके 2nd अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं, देखते हैं. यू कैन गो होम एंड रीड, आप लोग घर जाकर के उसे पढ़िए, देखिएगा. दे ऑल स्टार्टेड स्पीकिंग इन अननोन टंग, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वे सब अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे. सो व्हेन वी रिसीव होली स्पिरिट, जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, वी शुड स्पीक इन अननोन टंग, तब हम अन्य अन्य भाषा में बातें करना चाहिए. दैट इज अ साइन ऑफ रिसीविंग द होली स्पिरिट, अन्य यही है, पवित्र आत्मा आपने पाया है उसका एक चिन्ह. आफ्टर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ जीसस, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, फ्रॉम द डे दे रिसीव द होली स्पिरिट, जिस दिन से वे लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, व्हेनेवर इट इज मेंशन अबाउट रिसीविंग द होली स्पिरिट, जहां कहीं भी लोगों ने पवित्र आत्मा पाया इसके विषय में जिक्र किया गया है, इट इज रिटन दे ऑल स्पोक इन अननोन टंग, लिखा हुआ है कि हर एक जगह में वे लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बात किया. But now there are many churches, many children of God, they are following the Lord. किंतु वर्तमान के दिनों में देखने से बहुत सारे प्रभु के अनुयायी लोग हैं जो प्रभु का अनुकरण करते हैं. They have born again experience. उनके अंदर उद्धार का अनुभव है. They are spiritual mind in every church. Spiritual minded people are there. और हर एक कलीसिया में आत्मिक मनोभाव, नहीं तो आत्मिक मन रखने वाले व्यक्ति भी हैं. So many children of God, they say. और वे कई परमेश्वर के बच्चे लोग इस प्रकार कहते हैं, When I believe, I receive the Holy Spirit. जब मैंने प्रभु को विश्वास किया तभी मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया. So I need not
go and pray again and receive the Holy Spirit and speak in unknown tongue. इस कारण से दोबारा जाकर के पवित्र आत्मा चाहिए बोलकर के प्रार्थना करके अन्य भाषा बोलने की जरूरत ही नहीं है. Such children of God, those who believe that I receive Holy Spirit when I am coming to the born again experience. वे सारे परमेश्वर के बच्चे लोग जो इस प्रकार कहते हैं कि जब मैंने उद्धार पाया तभी मैंने पवित्र आत्मा पा लिया. They believe like that. वे लोग विश्वास करते हैं. Because Bible says like that. क्योंकि धर्मशास्त्र ऐसा ही कुछ कह रहा है. First Corinthians 12 chapter we read. पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय को पढ़ने से. In verse 3. तीसरे वचन में. It is clearly written. बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है. Without the Spirit of God, no man can say that Jesus is the Lord. और वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के सहायता के बिना कोई भी यीशु को प्रभु करके बोल नहीं सकता. No man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है. So now you have to understand it correctly. तो इस विषय को आप लोग सही रीति से समझ लीजिए. In Bible there are many verses. बाइबल में बहुत सारे वचने हैं. You have to understand everything in the right way. हम सारे वचनों को सही मायने में सही रीति में समझना चाहिए. You have to take all the verses and see, then we should decide. जब हम इन सारे वचनों को लेकर के पढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद अब निर्णय लो कि क्या सही है और क्या गलत. Is clearly written here, without the help of the Holy Ghost, nobody can say that Jesus is the Lord. यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि कोई पवित्र आत्मा के सहायता के बिना यीशु मसीह प्रभु है करके बोल नहीं सकता. But Jesus before leaving this world, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार से कूच करने से पहले. Now we read in Acts 1 chapter 5th verse. प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे. He said, "You are baptized with water." और उसने कहा कि तुम लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया. Now you shall be baptized by the Holy Spirit. अभी तुमको चाहिए कि तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लो. Soon you will get it. और बहुत ही शीघ्र तुम पाओगे. For that you should wait and pray. इसलिए तुमको चाहिए कि तुम इंतजार करो बाट जो हो. They were with Jesus. वे लोग यीशु के साथ थे. They believed Jesus. वे यीशु को विश्वास किए थे. Some of them left everything and followed Jesus. और उसमें से ऐसे भी कुछ है जो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए. They believed Jesus. वे लोग यीशु को विश्वास किए. It is the work of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा का ही काम था. Without Holy Spirit, nobody can say that Jesus is the Lord. क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है. But Jesus says you have to receive Holy Spirit. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है. What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Please read John 14:17. और योनर की सुसमाचार 14 अध्याय के 17 वचन को कृपा करके पढ़ें. अतः सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा. Even the spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Please kindly note it and go home and read. आप लोग कृपा करके इस वचन को अंकित कर लें और घर में जाकर के ध्यान से पढ़ के देखें. We don't want anybody to just listen, just believe and just obey because we are preaching. और आप लोग को हम ये नहीं चाहते कि आप लोग केवल विश्वास करो और केवल आप पढ़ लो और मान लो ग्रहण करो क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं. You should read it by yourself. आप खुद जाकर के पढ़िए. You should say yes. और आप बोलना चाहिए कि हाँ. Then accept it. और उसके बाद पढ़ने के समझने के बाद फिर ग्रहण करना. Please kindly note it and go home and read. अब ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए. घर में जाकर के इस वचन को पढ़ के देखिएगा. What did Jesus say? यीशु मसीह ने यहाँ क्या After कहा? I go, जब मैं जाऊंगा I will send another comforter. मैं एक और सहायक को भेजूंगा. He will abide with you forever. और वो तुम्हारे साथ सदा वास करेगा. That is the spirit of truth. और ये सत्य का आत्मा होगा. And now he dwells with you. अभी वो तुम्हारे साथ रहता है. And he shall be in you. और वो तुम में होगा. Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है. But in the days to come, he shall be within you. लेकिन आने वाले दिनों में वो तुम में या तुम्हारे अंदर होगा. We believe Jesus. हम यीशु को विश्वास करते हैं. We are born again. हम लोग उद्धार पाए हैं. Because Holy Spirit is with us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है. From outside he is guiding us. वो बाहरी तौर से हमें अगुवाई देता है. There is another experience of receiving the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा पाने का एक और अनुभव है. When we speak in unknown tongue. जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं. Holy Spirit comes and dwells within us. God the Father, Son and Holy Spirit, they comes and dwells within us. उस समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रित्व परमेश्वर आकर के हमारे अंदर वास करने लगता है. To make it more supportive, you can see John 7:39 also. और योनर की सुसमाचार 17 के 7
7:39, John 7:39 we read. 7 के 39 वचन को हम पढ़ के देखें. When Jesus was in this world, जब यीशु मसीह संसार में था, he went to a feast. उस समय यीशु मसीह पर्व में गया. On the last day of the feast, और उस पर्व के अंतिम दिन में, what did he say? उसने क्या कहा? Those who believe on me, जो कोई मुझे विश्वास करता है, from his heart rivers of living water shall flow. उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी. Verse 39. और 39वां वचन. He told about the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा. Because क्योंकि Holy Spirit was not given because Jesus was not glorified. क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि अभी तक यीशु मसीह महिमा में पहुंचा नहीं था. That means Jesus was not crucified. यीशु मसीह अभी तक क्रूस में नहीं मरा. He was not resurrected. अभी तक वो पुनरुत्थान नहीं पाया. So Holy Ghost was not given till the time. इसी कारण से अभी तक पवित्र आत्मा उतरा ही नहीं था. All the disciples believed Jesus. सभी शिष्य लोग यीशु मसीह को विश्वास तो किए. Because Holy Spirit was with them. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था. Now we read about another experience of receiving the Holy Spirit. तो आप एक और एक अनुभव के बारे में पढ़ते हैं और वो है पवित्र आत्मा को पा लेना. After Jesus is glorified, यीशु मसीह महिमा पाने के पश्चात. So you may ask me a question. आप सवाल पूछ सकते हो. Then in the Bible, so many places, even before Jesus came to the world, many people have done many things with the help of the Holy Spirit. और आप लोग कह सकते हैं कि जब यीशु मसीह पृथ्वी में था तो कई लोग पवित्र आत्मा के माध्यम से बहुत सारे अद्भुत अचंभे काम किए. Even Elizabeth, they were filled with the Holy Ghost. वे लोग पवित्र आत्मा में भरे, आत्मा में पूर्ण हुए. When we read about Elizabeth, she was an ordinary woman, but she was filled with the Holy Ghost and she prophesied. और हम लोग एलिजाबेथ के विषय में देखते हैं कि जब उसके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति उतरा तो वो उसमें परिपूर्ण होकर के भविष्यवाणी भी किया. What is that spirit? वो क्या है? In 1 Peter 1:11 we read that. पहला पत्र पहला अध्याय के 11 वचन में. प्लीज रीड 1 पीटर 1:11. पहला पत्रस पहला अध्याय 11 वचन. उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था. सर्चिंग वॉट और वॉट मैनर ऑफ टाइम द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट विच वॉज इन देम डिड सिग्निफाई when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. So that is called the spirit of Christ. वहां पर मसीह का आत्मा करके लिखा है. Spirit of Christ also is holy. मसीह का आत्मा भी पवित्र है. That's why it is mentioned as the Holy Spirit. इसी कारण से लिखा है कि वो पवित्र आत्मा. So wherever the Old Testament the Holy Spirit work, it is the Spirit of Christ. जहां कहीं भी पुरातन नियम में पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है वो सब जगह में दिखाई देने वाली आत्मा मसीह का आत्मा है. The Holy Spirit which came upon the people on the day of Pentecost in Acts 2nd chapter, it is the third person of the Trinity. लेकिन जो प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जो उतर के आया वो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की त्रित्वता में तीसरा व्यक्तित्व है. वी मस्ट रिसीव द होली स्पिरिट विद द साइन ऑफ स्पीकिंग इन टंग टू बी कॉट अप विद द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में उठा लिए जाने के निमित्त हमें चाहिए कि हम अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा के शक्ति को पाएं. सो व्हेनेवर जीसस सेड समथिंग, जब कभी भी यीशु मसीह ने कुछ कहा, ही प्रैक्टिस ऑल्सो, उसने उसका अभ्यास किया. व्हेन ही टोल्ड यू शुड, व्हेन इट वाज टोल्ड ही शुड बैप्टिज्म, ही ऑल्सो टुक बैप्टिज्म. जब वो कहता है कि बप्तिस्मा लो तो आप, उसने भी बप्तिस्मा लिया. ऑन द फर्स्ट डे आई टोल्ड यू, मैंने पहले दिन कहा, जीसस वॉज ए मैन एग्जैक्टली लाइक अस व्हेन ही वॉज इन दिस वर्ल्ड. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो वो संपूर्ण रीति से हमारे समान ही एक सुख दुख भोगी था. ही लिव्ड ए वंडरफुल होली लाइफ, उसने एक बहुत ही सुंदर पवित्र जीवन जिया. ही डिड ग्रेट थिंग्स, उसने महान काम किए. बिकॉज ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के कारण. एंड अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और दूसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण. नाउ वी आर गोइंग टू टेल सम वर्सेस, और अभी वर्तमान कुछ वचनों को हम बोलने जा रहे हैं. काइंडली नोट दिस इट, आप लोग उसको लिख लीजिए. प्लीज गो होम एंड रीड इट, और दया करके घर में जाकर के इन वचनों को पढ़ के देखिएगा. सो देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ होली स्पिरिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तब आप इस बात को समझ नहीं पाओगे कि ये पवित्र आत्मा कितना जरूरी है. होली स्पिरिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉट अप विद द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. यीशु मसीह की आत्मा ने उठा लिए जाने के लिए पवित्र आत्मा निहायत ही आवश्यक है. बिकॉज जीसस डिड एवरीथिंग बींग फिल विद द होली स्पिरिट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से पूर्ण होकर के किया. इन जॉन 1:41 योहन्नर की सुसमाचार पहले अध्याय के 41 वचन में. रीड मेसिया एंड क्राइस्ट, हम लोग वहां पर मसीहा नित्य मसीहा को देखने पाते हैं. क्राइस्ट मीन्स इज अ ग्रीक वर्ड, और क्राइस्ट जो शब्द है वो एक ग्रीक या यूनानी शब्द है. मीनिंग ऑफ क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड वन, और उस क्राइस्ट का जो यूनानी शब्द है उसका अर्थ है अभिषिक्त. सो क्रिश्चियन मीन्स,
क्रिश्चियन शब्द का अर्थ या मसीही शब्द का अर्थ द पर्सन हु इज अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा अभिषेक से अभिषिक्त है. सो टू टेल दैट आई एम ए ट्रू क्रिश्चियन यू मस्ट रिसीव द होली स्पिरिट. अगर आपको यह कहना है कि मैं एक सच्चा मसीही हूं तो आपको एक सही रीति का एक सही मायने का पवित्र आत्मा अभिषेक पाना है. नाउ लेट अस सी हाउ जीसस डिड एवरीथिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह केवल मात्र पवित्र आत्मा के सहायता से कैसे कैसे अद्भुत अचंभे के काम किए. Luke 1:35 it is clearly written. Luke ruchi susamachar pehla adhyay ke 35 he was conceived by the holy spirit and born of the holy spirit. Aur hum dekhte hain ki wahan par ishu masih pavitra atma ke dwara maryam ke garbh mein dharan kiya aur usi ke dwara uska janm hua. He was conceived in the womb of mary by the holy spirit. Pavitra atma ke dwara hi prabhu ishu masih maryam ke andar garbh dharan kiya. In Matthew 3:16 we read that. Aur matthew ruchi susamachar 3:16 mein when he took baptism, जब उसने बपतिस्मा लिया, heaven was open, उस समय आकाश खुल गया, Holy Spirit came upon him in the form of dove, और एक कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरी. But he did not speak in unknown tongue, लेकिन वहाँ उसने अन्य भाषा में बात नहीं किया. Because there is no tongue unknown for God, he knows every language, कारण कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी भाषा अन्य भाषा नहीं है. Every language is known to him, वो सारी भाषा को जानता है. When he received the Holy Spirit, जब उसने अभिषेक पाया, he says he did everything with the help of the Holy Spirit. वो इस प्रकार कहते हैं कि वो सारी बातों को सारे कामों को पवित्र आत्मा की सहायता से की. In Luke 4:18 we read. लूक रुचि सुसमाचार 4:18 में प्लीज रीड पढ़ेंगे. Luke 4:18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर. ही हैथ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव्स एंड रिकवरिंग ऑफ साइट टू द ब्लाइंड, टू सेट एट लिबर्टी देम दैट ब्रूज. इट इज टोल्ड बाय आवर लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ. यहाँ पर यीशु मसीह आप ये बातों को कह रहा है. He said, I preach the gospel to the poor. और कहता है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाता हूँ. I am healing the broken hearted. और मैं टूटे मनों को मैं जोड़ता हूँ. I preach deliverance to the captives. और बंधुओं को मैं छुटकारा देता हूँ. Open the eyes of the blind. मैं अंधों को दृष्टि देता हूँ. And set at liberty them that are bruised. और जो कुचले हुए हैं उनको मैं छुड़ाया हूँ. And preach about the acceptable year of the Lord. और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए. I am preaching प्रभु के और प्रभु के प्रसन्न रहने के वश का प्रचार करूं. बिकॉज क्योंकि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है. प्रीच्ड एंड हील्ड एंड डिलीवर्ड द पीपल बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट. उसने प्रचार किया, लोगों को छुड़ाया और लोगों को चंगाई किया क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर था. इन Matthew 12:28 इट इज रिटन. मत्ती रुचि सुसमाचार 12:28 में इज टेलिंग आई एम कास्टिंग आउट डेविल बाय द होली स्पिरिट. वो कहता है कि मैं दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा के सहायता से या पवित्र आत्मा के द्वारा छुड़ाता हूँ. बिकॉज द किंगडम ऑफ इज कम अनटू यू. क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आया है. ही कास्टेड आउट डेविल विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. उसने दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा के सहायता से छुड़ाया. एवरी डे वी सी मेनी पीपल आर डिलीवर्ड फ्रॉम द डेविल पोजिशन. दे आर कास्टिंग द डेविल विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. यहाँ पर भी हम लोग कई लोगों को पवित्र आत्मा के माध्यम से दुष्ट आत्मा को छुड़ाते हुए या भगाते हुए आप लोग देखने पाते हो. They are delivering the people with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सहायता से वे लोग उनको छुड़ाते हैं. And in Luke 4:11 we read that. लूक रचित सुसमाचार 4:11 में. Sorry, Luke 4:1 we read that. लूक रचित सुसमाचार 4 अध्याय का पहला वचन में. Jesus was full of the Holy Ghost. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ. Returned from Jordan. यर्दन से लौटा. And led by the Spirit into the wilderness. और वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते वो जंगल में फिरता रहा. He took baptism. बपतिस्मा लिया. फिरता रहा. He went to the wilderness to be tempted. Okay. He was full of the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के. And he took baptism in Jordan. यर्दन में बपतिस्मा लिया. Full of the Holy Ghost, he came out of Jordan. और आत्मा से परिपूर्ण होकर के यर्दन से बाहर आया. Being led by the Spirit, he went to the wilderness. और आत्मा के सिखाए या आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त होकर के वो जंगल में गया या मरुभूमि में गया. To be tempted by devil for 40 days. ताकि वो शैतान से 40 दिन तक परीक्षित हो सके. Being filled with the Holy Ghost, he went and took fasting for 40 days. और वो पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से वो 40 दिन उपवास लेने को गया. After taking 40 days fasting, 40 दिन के उपवास लेने के पश्चात he
became very weak. वो बहुत ही दुर्बल हो गया. So we all become very weak when we take fasting. जब हम उपवास लेते हैं हम दुर्बल हो जाते हैं. When we take 4 days fasting also we feel very weak. जब हम 4 दिन का उपवास लेते हैं बहुत ही दुर्बल महसूस करते हैं. हालत खराब हो जाता है. लेकिन after taking 40 days fasting. लेकिन 40 दिन के उपवास के बाद. What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? She walked up to Galilee. और वो गलीली तक चल के गया. It's around 100 kilometers. वो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है. Taking 40 days fasting, he walked 100 kilometers. 40 दिन के उपवास के बाद यीशु 100 किलोमीटर की दूरी तक चल के गया. Without any weakness, और किसी प्रकार की दुर्बलता के बिना. No giddiness, कोई प्रकार का बेहोशी की हालत नहीं. Did not fall on the way, वो रास्ते में गिरा नहीं. Because, क्योंकि Luke 4:14 says, Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. और लूक रचि सुसमाचार 4:14 में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर यीशु की आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलीली को लौटा. एवरीथिंग ही डिड विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. सब कुछ उसने पवित्र आत्मा की शक्ति से किया. Another thing, और एक बात. We all think that because Jesus was God, he died on the cross. और हम लोग सब सोचते हैं कि यीशु मसीह चूंकि वो ईश्वर का पुत्र था या ईश्वर था वो क्रूस में मरा. Because of that, okay. So we think that he was able to offer him as a sacrifice holy because he was God. और चूंकि वो ईश्वर था इस कारण से उसने अपने आप को एक पवित्रता की नाई बलिदान होकर के क्रूस में दे दिया. So, but in Hebrews 9:14 we read that. लेकिन इब्रानी की किताब उसके 9 अध्याय में हम देखते हैं. What we read there? वहाँ पर क्या देखते हैं? He offered him as a sacrifice because of the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने आप को एक बलि स्वरूप दे दिया. In 9:14 we read. 9 अध्याय 14 वचन. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो. हाउ मच मोर शैल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट ऑफर्ड हिमसेल्फ विदाउट स्पॉट टू गॉड पर्ज योर कॉन्शियंस फ्रॉम डेड वर्क्स टू सर्व द लिविंग गॉड. सो विद द हेल्प ऑफ द इटर्नल स्पिरिट द होली स्पिरिट ही ऑफर्ड हिमसेल्फ विदाउट स्पॉट अनटू गॉड. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया. He offered himself as a sacrifice with the help of the Holy Spirit. उसने अपने आप को एक बलि स्वरूप पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा चढ़ा करके दिया. We all believe Jesus was resurrected on the third day. और हम सब इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा. How many of you believe that? कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? हालेलुया. एक हालेलुया बोलिए. We think that because Jesus was Lord, he was resurrected. क्या आप इस बात को सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर था या प्रभु था इसके लिए वो जिलाया गया? What does the Bible say? धर्मशास्त्र क्या कहती है? In Romans 8:11 it is very clearly written. रोमी की पत्री 8:11 में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है. What we read there? क्या पढ़ते हैं? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. इट इज वेरी क्लियर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड. यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु मरे हुए में से जी उठा. एंड देयर इज अ वंडरफुल प्रॉमिस. यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वायदा भी है. होली स्पिरिट इज डोलिंग इन यू. अगर वही आत्मा तुम्हारे अंदर अगर वास करे ही कैन क्विकन यूर मॉर्टल बॉडीज ऑल्सो एज ही क्विकन द मॉर्टल आवर बॉडी ऑफ जीसस. जिस प्रकार यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया उसी प्रकार तुम्हारे मरणहार देह को भी जिलाएगा. हालेलुया. सो व्हेन द पावर ऑफ होली स्पिरिट अपॉन अस. जब पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे ऊपर आएगा इट्स द पावर ऑफ रिजरेक्शन. वो एक पुनरुत्थान की शक्ति. वी मे हैव मेनी फेलियर्स इन अवर बॉडी. हमारे शरीर में बहुत सारे शायद गिरावट पराजय होंगे. मे से आई एम अनएबल टू ओवरकम दैट ओवरकम दिस. आप कहते होंगे कि मैं उस या इस विषय के ऊपर जय पाने नहीं पाता. अनएबल टू ओवर माय फ्लेशली लस्ट. मेरे शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय नहीं मिलता. आई एम अनएबल टू कंट्रोल माय माउथ. मैं मेरे मुंह को नियंत्रण में लाने नहीं पाता. आप ऐसे कई प्रकार की बातें बोल सकते हो. बाइबल से इसी के लिए धर्मशास्त्र कहता है होली स्पिरिट व्हिच रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड डwells इन यू. अगर जो आत्मा मसीह यीशु को मरे में से जिलाया तुम्हारे अंदर अगर वास करता है कैन क्विकन यूर मॉर्टल बॉडी ऑल्सो. तुम्हारे मरणहार देह को भी वो जिलाएगा. ऑल अवर सिकनेसेस कैन बी हील्ड. हमारे सारी बीमारी चंगे हो जाएंगे. वी कैन कम आउट ऑफ ऑल अवर फेलियर्स. हमारे सारे पराजय होने पर भी वी कैन लिव यू ओवरकम लाइफ एग्जैक्टली लाइक जीसस. हम लोग यीशु मसीह की मानिन एक जय जीवन जी सकते हैं. होली स्पिरिट विल डू दैट वर्क. और ये पवित्र आत्मा वो काम करेगा. हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव दैट. कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? शाउट हालेलुया. एक हालेलुया बोलिए.
आई नो वन टेस्टिमनी एंड फिनिश इट. मैं एक गवाही बोल के समाप्त करूंगा. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्रेयर ऑफ जीसस बट नो टाइम. मैं यीशु मसीह के प्रार्थना के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है. इन द बिगिनिंग ऑफ टुमारोस मैसेज वी विल स्टडी अबाउट दैट. और कल के संदेश के आरंभ में हम उन सारी बातों को देखेंगे. आई नो वन पर्सन. मैं एक व्यक्ति को जानता हूं. वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. वो बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था. बिफोर ही वॉज सेव्ड. उद्धार पाने से पहले वॉज वेरी विकेट. वो बहुत ही दुष्ट था. देन ही केम टू द बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस. फिर वो उद्धार पाया. ही टुक बैप्टिज्म आल्सो. बपतिस्मा लिया. बट ही कुड नॉट ओवरकम द स्पिरिट ऑफ एंगर. लेकिन क्रोध के ऊपर वो नियंत्रण करने नहीं पाया. व्हेन ही गेट्स एंग्री. जब उसे गुस्सा आता है. ही विल डू एनीथिंग. वो कुछ भी कर बैठता है. अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड पर्सन. नहीं तो बहुत अच्छा है. व्हेन ही ईट फूड. जब खाता है. One day there was a stone in the food. एक बार खाने के वक्त में खाने में कंकड़ था. He got angry with his wife. वो अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा हो गया. He pulled her with the hair. He threw the plate upon her. और उसने उसको पकड़ करके उस प्लेट को उसके सिर पे दे मारा. And pulled her by the hair. और उसके बाल को खींचा. Kept her feet in between the feet. और उस बाल को खींच करके अपने दोनों पांव के बीच में दबाया. And started beating her till she fell unconscious. और जब तक उसको बेहोश वो ना हो जाए तब तक मारते रहा मारते रहा. And he became cool. और जब वो पूरा ठंडा पड़ गया. Cried. रोने लगा. Oh, my wife is doing everything for me. Why should I beat her like this? मेरी पत्नी तो मेरे लिए सब कुछ करके देती. क्यों मैंने उसको मारा? So he went on praying. फिर प्रभु को प्रार्थना किया. Then Holy Spirit came upon him. फिर एक दिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया. And he received Holy Spirit. एक दिन जब उसने पवित्र आत्मा पाया. Even then he used to get angry. उसके बाद भी उसको गुस्सा आता था. Though it is less. तो भी वो थोड़ा कम था. बट ही यूज्ड टू गेट एंग्री. लेकिन वो गुस्सा होता था. वन डे ही क्राइड. एक दिन रोया. लॉर्ड होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी. हे पवित्र आत्मा कृपा करके मेरी मदद कर. बिकॉज़ बाइबल सेज इन रोमन 8:26. क्योंकि रोमी की किताब 8:26 में धर्मशास्त्र क्या कहता है? वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे फॉर अवर इन्फर्मिटीज. हमारे दुर्बलता के लिए कैसे हम प्रार्थना करना है हमको नहीं मालूम. बट होली स्पिरिट इज इंटरसीडिंग फॉर अस. किंतु आप पवित्र आत्मा हमारी विनती करता है. द होली स्पिरिट हेल्प्स अवर इन्फर्मिटीज. और ये हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है. वी डोंट नो हाउ टू प्रे. हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना है. सो होली स्पिरिट मेक्स इंटरसीशन फॉर अस विद ग्रोनिंग व्हिच कैनॉट बी अटर्ड. और हमारे बयाने से बाहर आप पवित्र आत्मा आहे भर भर करके विनती करता है. 27 सेज. और 27 वचन में लिखा है. ही नोज अवर हार्ट. वो मनों को जांचने वाला. ही नोज द काउंस विल ऑफ गॉड कंसर्निंग अस. और वो हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की मनसा क्या है वो भी जानता है. ही इंटरसीड फॉर अस. और वो हमारे लिए विनती करता है. सो ही सेड लॉर्ड आई एम प्रेइंग आई डोंट नो हाउ टू प्रे. और वो इस प्रकार परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि नहीं जानता कि कैसे प्रार्थना करूं. ओह होली स्पिरिट हेल्प मी. हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर. व्हेन ही क्राइड एंड प्रेड. और जब उसने रोते हुए प्रार्थना किया. द होली स्पिरिट स्टार्टेड क्राइंग एंड प्रेइंग. पवित्र आत्मा उसके अंदर होते हुए वो रोते रोते प्रार्थना करने लगा. माइटी पावर केम अपॉन हिम. एक बहुत बड़ी शक्ति उसके ऊपर उतरा. एंड ही सॉ अ विजन. उसने एक दर्शन देखा. वन लायन केम आउट ऑफ हिम एंड रैन अवे. उसने देखा कि उसके अंदर से एक सिंह निकल करके भाग रहा है. इट वॉज द स्पिरिट ऑफ एंगर विच वॉज डोलिंग इन हिम फॉर मेनी इयर्स. कई सालों से ये वो आत्मा है जो क्रोध की आत्मा के रूप में उसके अंदर बसा हुआ था. व्हेन द होली स्पिरिट केम अपॉन हिम माइटली. और जब शक्ति के साथ पवित्र आत्मा उतरा. व्हेन द पावर ऑफ गॉड टच्ड हिम. और जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ. होली स्पिरिट इंटरसीडेड. और जब परमेश्वर की आत्मा ने बिछवाई किया विनती किया. पावर कुड नॉट स्टे देयर. और वो जो दुष्ट आत्मा वहां पर ठहरने नहीं पाया. इट रैन अवे. और दूर भागा. देन ही बिकेम द मीकेस्ट पर्सन इन द चर्च. और उसके बाद वो उस कलीसिया का सबसे दीन व्यक्ति बन गया. एंड आफ्टर दैट समथिंग हैपेंड. और उसके बाद कुछ हुआ. वन डे देयर वाज सम प्रॉब्लम. एक दिन उस वहां पर कुछ समस्या हुई. अर्लियर वाइफ चिल्ड्रन एवरीबॉडी विल बी अफ्रेड व्हेन ही गेट्स एंग्री. पहले के दिनों में जब कभी भी ऐसा कुछ बात होता तो बच्चे बीबी डर जाती जब गुस्सा होगा. वन डे देयर वाज अ स्मॉल प्रॉब्लम. एक दिन एक छोटी सी समस्या. नाउ बिकॉज ही इज वेरी मीक. चूंकि वो बहुत ही दीन या नम्र हो गया. द फैमिली मेंबर्स टुक द एडवांटेज. अभी लोग उसके ऊपर उसका फायदा उठाने लगे. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन जॉइंट टुगेदर एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम. उसके बच्चे और बीबी मिलकर के अभी इस महाशय को मारना शुरू किया. Kept on telling praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He did not beat them again. और उसने उल्टा नहीं मारा बस केवल अपने मुंह से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Holy Spirit brought a change. क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक परिवर्तन लाया. Send out the evil spirit of anger which was in him. उसके अंदर दिखाई देने वाले क्रोध की आत्मा को उस आत्मा ने निकाल दिया. Dear children of God, हे परमेश्वर की प्रिय संतान, if you receive Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे, cry in the presence of God for deliverance, अगर आप छुटकारे के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करोगे, you can be delivered from any kind of problem, आप किसी भी प्रकार के समस्या से छुटकारा पाओगे, any kind of failure, किसी प्रकार का पराजय, any kind of sin, किसी प्रकार का
any kind of sin, किसी प्रकार का पाप, any kind of sickness, किसी प्रकार की बीमारी, Holy Spirit and completely deliver us, पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से आपको छुड़ाएगा। शाउट हालेलुया, एक हालेलुया बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। God should fill all the dear ones who are seated and hearing the word of God with the Holy Spirit quickly, जहां पर जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा से भर देना चाहिए। Shall we shout hallelujah for them? चाहिए इसके लिए अंदर परमेश्वर को हालेलुया चिल्लाए। So the coming of the Lord is very very near, भविष्य मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होगा। Don't think that I am not holy, so God will not be giving Holy Spirit. और इसके लिए आप ये ना सोचे कि मैं पवित्र नहीं हूं तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। To make us holy, only Holy Spirit is given. हमें पवित्र करने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया है। So please confess your sins. इसके लिए अपने पाप को स्वीकार कीजिए। And get a good conscience. और एक शुद्ध विवेक को पाइए। Take baptism and rejoicing. बपतिस्मा में आनंदित होइए। Every day pray, Lord, I want Holy Spirit. हर दिन प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। God will surely fill us with the Holy Spirit. निश्चय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। And when Jesus comes, we all shall be caught up at the coming of the Lord. और जब यीशु मसीह आएगा तब हम सब आकाश में उससे जा मिलेंगे। May God fill all the Christians in Nagpur, fill them all with the Holy Spirit and help everyone to get ready for his soon coming. परमेश्वर इस नागपुर शहर में दिखाई देने वाले सारे मसीहों को पवित्र आत्मा अभिषेक से भर के उसे यीशु के आगमन के लिए तैयार करने दे। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा।